बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां पर सभी के अभिवादन को प्रधानमंत्री भी अपनी मुस्कुराहट से स्वीकार कर रहे हैं और ये सूरत से प्रधानमंत्री का रोड शो। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, बेहद अहम ये रोड शो हो जाता है और जिस तरह से वहां पर लोगों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं जो दृश्य हम देख रहे हैं गाड़ी से बाहर निकलकर, चलती गाड़ी से जो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के अभिवादन का जवाब देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिस तरह का प्रेम उन्हें वहां पर देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री उससे दुगने प्रेम से वहां पर प्रत्युत्तर दे रहे हैं, किस तरह के ये दृश्य और कितना अहम प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, और रमा, गुजरात के एक तरह से सच्चे सपूत के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जरूर वो पूरे देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन गुजरात को जिस तरह से उन्होंने बनाया है, खड़ा किया है, जिस तरह से गुजरात के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं, आज जो गुजरात एक तरह से पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों का प्रेम, विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर रहा है, जो उनका जो भी उन्होंने फैसले लिए उसमें जो पुरजोर उनको समर्थन मिलता रहा है, और उसकी वजह से जो गुजरात में दशकों पुरानी समस्याएं थी, दशकों पुराने मुद्दे थे, उसको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, जो चाहे इंडस्ट्री की बात हो, कृषि की बात हो, आधुनिक सुविधाएं शहरों में बनाने की बात हो, तो उसकी वजह से ये जो प्यार मिल रहा है, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, हम जानते हैं कि उनको लोगों के बीच रहना, लोगों से मिलना जुलना एक तरह से उनकी कोशिश रहती है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के तामझाम के बावजूद वो जो लोगों से उनका कनेक्ट है वो रहता है, और वही ये प्यार जो बीते कई दशकों से, हम खासतौर से सार्वजनिक जीवन में बीते दो दशक से ज्यादा समय से हैं, तो उन्होंने जो एक समर्पण भाव दिखाया, जो उन्होंने अपना जिंदगी का हर पल लोगों की सेवा के लिए, खासतौर से गुजरात में के लोगों की सेवा के लिए, सूरत के लोगों की सेवा के लिए जो उन्होंने अर्पित किया है, तो वो शायद यहाँ के लोग नहीं भूल सकते हैं, और वो इन तस्वीरों में यहाँ देख रहा, आपको याद होगा कि चाहे सूरत में भारी बारिश के चलते हुई परेशानी का वक्त हो, कोई और समय आओ, हर तरह के समय में वो एक चट्टान की तरह सूरत के लोगों के साथ, गुजरात के लोगों के साथ खड़े रहे, और इस सोच के साथ कि किस तरह से तरक्की के नए मुकाम पर गुजरात को खड़ा किया जा सकता, और लगातार देखिए रमा, कई जनसभाएं भी प्रधानमंत्री मोदी वहां कर रहे हैं, और हर उम्र का, सिर्फ आप ये नहीं कि एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, किस तरह से आप इन सड़कों पर देख सकती हैं, युवा वर्ग हो, लड़कियां हों, आप वो तमाम लोग, हर वर्ग के लोग आपको इस भीड़ में नजर आते हैं, और कई घंटों तक ये लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने जननेता की, अपने प्रिय नेता की, अपने सबसे पसंदीदा व्यक्ति की, जिनसे लोग प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, उनकी एक झलक मिल जाए, और प्रधानमंत्री मोदी भी इन तमाम लोगों को निराश नहीं कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी से निकलकर इस जो कह सकते हैं एक तरह का जो विशाल जन समूह है, इस एक तरह से तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि पूरा सूरत इस वक्त इन सड़कों पर, जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है, उस सड़क पर पहुंच गया पूरा सूरत एक तरह से, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्यार, समर्पण, स्नेह का एक तरह से अभिवादन का जवाब देने से नहीं चूक रहे हैं, वो कृतज्ञता अपनी तरफ से भी अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बेहद ही दुर्लभ तस्वीरें, और ये प्रधानमंत्री मोदी जो एक आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम जानते हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखिए आप, हर तरह से जिस तरह से कोविड के समय में उन्होंने देश को हैंडल किया, जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी चरपराई, और आज भारत जिस तरह से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तेजी से अगले पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर गुजरात में, हम जानते हैं खास तौर से बीते दो दशकों में जिस तरह की तरक्की हुई है, जो पानी जैसे मुद्दे जो थे, जो आज एक तरह से उन मुद्दों को खत्म किया है, तो उसमें एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक विजन के साथ पीएम मोदी ने जो काम किया, तो वो एक समृद्धि गुजरात की, सूरत की जो समृद्धि वो दिखती
लगती है और इस वजह से ये जो प्यार सड़कों पर दिख रहा है। रमा, बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण, सूरत से जो दृश्य हम देख रहे हैं, जनसैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा है और जो लोगों का प्यार है, जो उत्साह है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और प्रधानमंत्री भी उसी रूप में उसका जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को धीमा किया है और गाड़ी से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्यार का जवाब दे रहे हैं। अपने आप में ये जो लोगों की आपसे जानना चाहेंगे, जो चुनाव है वो तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति ये जो लोगों का स्नेह है, ये जो विश्वास है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं अपने बातों में कि हम दावे नहीं करते हैं, काम करके दिखाते हैं, ये उसकी पुष्टि है, उसकी तस्दीक है। बिल्कुल रमा जी, आप देखिए रोड शो तो कई सारे लीडर्स करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ करके इस समय पर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस सूरत दौरे में देख रहे हैं, वो अपने आप में आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लोगों से और हम देखते हैं कि इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये दिखाता है नंबर वन कि किस तरह की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में आने के बाद भी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात में बतौर सीएम उन्होंने काम किया, वॉलंटियर से शुरू किया था उन्होंने, एक तरह से जो इस पार्टी के अंदर छोटे से कार्यकर्ता से शुरू किया था, उसके बाद वो हम देखा वहां से वो सीएम भी बने, सीएम के बाद में वहीं से गुजरात से हम देखते हैं गुजरात का सफर तय करते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। दूसरा, सूरत को कहा जाता है बिजनेस पर्सन की एक तरह से हब कहा जाता है, अहमदाबाद को एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, तो सूरत फिर से डायमंड सिटी कहा जाता है गुजरात के लिहाज से। गांधीनगर अहमदाबाद हम जानते हैं कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरत को डायमंड सिटी के तौर पर कहा जाता है। तो कई सारे एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उनके लीडरशिप के अंदर, जो बार बार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, उनका फायदा यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनको साफ तौर पर दिखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये जनसैलाब इस समय पर सड़कों पर उमड़ता दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो की खासियत ये होती है कि अपने आप में, क्योंकि गुजरात के लोगों को आप समझने की कोशिश करें तो उनको तो मौका चाहिए त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, वो सेलिब्रेशन मोड में तुरंत आ जाते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी गुजरात के दौरे पर होते हैं तो वो एक तरह से उसी धरती के पुत्र हैं, उसी धरती के बेटे हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां के लोग बहुत बेहतरी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में कनेक्ट करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रैली की है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रैलीज वो कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं है, और कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कहा हुआ है कि ये जो जनता का प्यार है ये उनको ऊर्जा देता है काम करने के लिए, उनको ताकत देता है काम करने के लिए, और जितनी भीड़ आप इस सूरत के रोड शो में देखेंगे आप उतना ही रेप्लिकेट होता हुआ देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की एनर्जी के अंदर और उनके काम करने की जो ताकत उनको मिलती है। कई बार इस बात को कह भी चुके, कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी कहा है कि जनता का प्यार जब मुझे मिलता है तो मेरी एनर्जी और डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो एक तरफ तो गुजरात के बेटे जब वापस गुजरात में पहुंचे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और सूरत की जब बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल कनेक्ट रहता है सूरत का, बिकॉज डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है, और जैसे जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी मुहैया कराई सूरत की, हम जानते हैं कि जब स्पोर्ट्स के हब बनाने की बात की जाती है, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं सूरत के, कैसे डायमंड के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है कि बिजनेस करना और सहूलियत हो सके, आसान हो सके। गुजरात को हमने पिछले दो डेकेड्स के अंदर कंप्लीटली चेंज होता हुआ देखा है। हम आज से अगर दो दशक पहले के गुजरात को देखें तो वहां पर रात को महिलाओं के लिए निकलना सेफ नहीं हुआ करता था। आज से दो दशक पहले हम जानते हैं किस तरह से गुजरात के अंदर जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट एरिया रहा करता था, लेकिन आज देखिए रात को 12 बजे 2 बजे भी आप चले जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर आज वहां पर हैं तो आप देखेंगे कि रात भर आप देखेंगे कि त्योहारी मौसम रहेगा, त्योहारी एक तरह से फ्लेवर आपको वहां पर गुजरात के अंदर सूरत के अंदर दिखाई देगा। तो जिस तरह का काम पिछले दो दशक के अंदर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर और साफ तौर पर गुजरात के अंदर जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है वो किया है, इसी की वजह से वो प्यार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता बहुत इनोसेंट होती है, वो जो उनके लिए काम करता है वो उसको उस तरह से रेप्लीकेट करती है। तो आप देखिए चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, हर कोई बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर आकर के पहुंचे हैं। जिस एरिया से इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं ये प्राइमरली कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में से निकल रहे हैं। आज का दिन संडे का दिन है, ज्यादातर कमर्शियल स्पेसेस बंद होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ करके आए हुए हैं। सूरतीज जो
जो लोग, जिसको हम कहते हैं सूरत के लोग, और जो कहा जाता है कि सूरत के लोग तो खाने पीने के लिए जाने जाते हैं, सूरत का खमण बहुत फेमस है, तो ऐसे जो लोग, जो सूरत के लोग इस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए आए हुए हैं, तो इस एक बात बहुत ही क्लियर है कि वो एक से अपना प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डेडिकेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर गुजरात में पहुंचे हैं। बिल्कुल अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सूरत के बारे में आप बता रहे हैं कि दो दशकों में जितना मतलब विकास हुआ है सूरत में वो अभूतपूर्व है, और अपने आप में जिस तरह से वहां पर विभिन्न लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हुई हैं। इस बार की अगर हम बात करते हैं सूरत को, अगर देखा जाए तो कपड़ा उद्योग के लिए, इसको सिल्क सिटी कहा जाता है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से भी ये मौजूद है, तो औद्योगिक नगरी है, चुनावी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण इसको अगर कहते हैं तो इसे अतिशयोक्ति ना होगा कहना कि चुनावी रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का पिछली बार भी यहां पर शानदार प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस की बात करें तो 1984 में कांग्रेस को लोकसभा सीट यहां पर मिली थी, उसके बाद से लगातार जो बीजेपी का दबदबा है यहां पर कायम है। इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए मुद्दे डिवाइड हो जाते हैं अर्बन और रूरल में अलग अलग होकर के। अर्बन सेंट्रिक अगर हम बात करें, सदर्न गुजरात की, सौराष्ट्र क्षेत्र की, अब सूरत भी अगर उसमें अगर हम उसको क्लब करके देखें तो सूरत प्राइमरली अर्बन सेंट्रिक ज्यादा रहता है। अर्बन सेंट्रिक ज्यादातर जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज को ज्यादा क्लीनली ऑब्जर्व करता है, बिकॉज वो जिस तरह की बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा होना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होना, जीएसटी जिसके हम मुद्दों को देखते हैं कि किस तरह से ग्रेजुअली ओवर द पीरियड टाइम रैशनलाइज किया गया, उसको बेहतर बनाया गया, जिसका सीधा इंपैक्ट आप देखते हैं कि जो फायदा होता है दिखाई देता है यहाँ के लोगों को। जीएसटी कलेक्शन का अगर बढ़ना हो रहा है तो हम मान के चले कि जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है इनका बेस बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आ रही है, गुजरात हम जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बहुत ही बेहतर कर रहा है, सहूलियत काफी मुहैया हो रही है। आज की तारीख में आप रमा जी इस बात को समझिए कि गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के गुजरात में आ रही है। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कपल ऑफ इयर्स में उन्होंने कहा है कि कैसे हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। जिस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता की कमी रही है, हम देखा सेमीकंडक्टर तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, फार्मा के अंदर एपीआई जैसा की हम बात करते हैं वो उसकी काफी कमी थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे इन क्षेत्र के अंदर, और काफी मैसिवली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, पीएलआई इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये हम देख रहे हैं कि देखिए गुजरात के अंदर फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी निकल करके आती है, आज टाटा देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, फोर्ड देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बेसिस को एक्सपैंड कर रही है गुजरात के अंदर। आज वेदांता फॉक्सकॉन के साथ करार करके गुजरात के अंदर आ रही है, अपने प्लांट को लगा रही है, दुनिया को सेमीकंडक्टर गुजरात से सप्लाई किया जाएगा। तो जब इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इतना मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर सूरत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अर्बन क्षेत्र की बात हो गई। रूरल में अगर हम जाते हैं तो रूरल क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी दो दशक पहले तक, जिसको शायद जो वहां के लोग रह चुके हैं वो जानते हैं इस चीज को, कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे पूरा गुजरात जूझता था। सदर्न गुजरात, साउथ गुजरात में बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में हमने देखा सोनी परियोजना की उन्होंने शुरुआत की थी, और सोनी योजना बहुत मैसिव हिट रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को इंश्योर किया कि कैसे कच्छ के लास्ट जो क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंच सके। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की कच्छ के अंदर अंजार के अंदर रैली होने जा रही है, तो हम इस बात को जानते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था जो यहाँ गुजरात वासी के लिए, खासकर रूरल क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही एक तरह से कायाकल्प करने वाली बात रही थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जानते हैं कि पानी बहुत बड़ा इश्यू था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरह से सुलझाया है। दूसरा प्रोमिनेंट मुद्दा देखिए कि चाहे जो आवास योजना की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की बात करें उज्ज्वला योजना के तहत, चाहे उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण की बात करें, चाहे लोगों के घर बनाने की बात करें, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुजरात का कोई भी व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, किसी दिक्कत में है, और अगर वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमने कई बार देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करते हैं। आज एक बड़ी बात आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे दो बच्चों की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था, 6 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया था। तो ऐसे में दो बच्चों को उसकी वीडियो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने आती है सोशल मीडिया पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सी आर पाटिल साहब से, गुजरात के अंदर सूरत से ही वो रनाता रहता है उनका, और उनको कहते हैं कि ऐसे जो ट्राइबल बच्चे हैं इनको पूरी सहूलियत दी जाए, तो उनके लिए घर बनवाया जाता है, उनके लिए
प्राइमरीली जो तमाम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती है, तो गुजरात का व्यक्ति इस बात को जानता है कि कोई ऐसा है जो दिल्ली में हमारे लिए बैठा हुआ है, हमारे लिए काम करने वाला बैठा है। और यही चीज उन्हें कनेक्ट कराती है, चाहे आदिवासी बेल्ट के लोग हों, ट्राइबल्स हों, महिलाएं हों। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते, अगर गुजरात के कोई लोग हैं उनसे मिलने की बात आती है तो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करते हैं तो गुजराती फ्लेवर आपको वहां पर पूरी तरह से देखने को मिलता है। तो गुजरात की जो गुजरातियों को चाहिए, जो गुजरात की हम जो कहते हैं कि उनका जो गौरव है, जो गर्वी गुजरात की बात हो रही, गुजरात में कहा जाता है जय जय गर्वी गुजरात, तो जो गर्वी गुजरात की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल देश में नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब करते हैं तो गुजरातियों का सीना चौड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि जब उनका सीना चौड़ा हो जाता है तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, और इसी वजह से ये प्यार वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इस्तेमाल लुटाते हुए। बिल्कुल, और उसी का नजारा ये देखने को मिल रहा है जो दृश्य हम देख रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और जो कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं, वो लगाव भी साफ तौर पर नजर आता है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकलकर और लोगों का अभिवादन, जिससे कि एक एक व्यक्ति जो वहां पर खड़ा है उसे प्रधानमंत्री का प्यार मिले, स्नेह मिले, और जो उनकी झलक पाने को आतुर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री का जो भावनात्मक लगाव है, जो संवाद है, वो कायम रहे। बिल्कुल, प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, और ऐसे केवल गुजरात नहीं, कई जगहों पर हमने देखा। अगर अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही गुजरात के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रैली करने के लिए आए थे तो एक पेशेंट डिस्ट्रेस में था, एक पेशेंट था जिनको अर्जेंटली पहुंचाना था, उनकी एम्बुलेंस को निकलना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कार गेट को बिल्कुल रुकवा दिया, तमाम प्रोटोकॉल्स को बोला गया कोई इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं रखने की जरूरत, और एम्बुलेंस को तुरंत जगह दी जाती है, एम्बुलेंस अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कार गेट को छोड़ करके जनता के बीच जब चले जाते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, तो ये बताता है कि वो कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधान सेवक के तौर पर यहाँ पर आए हैं और वो बातचीत करना चाह रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 27 साल के आसपास का समय देख लीजिए, इतने लंबे समय से एक लीडर है, उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बरकरार है। आपको याद होगा कि जो अर्ली 2000 की बात है, जब कच्छ के अंदर भूकंप आया था उस समय गुजरात पूरी तरह से हिल गया था। गुजरात में लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, लोग ये सोच रहे थे, आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, लोग ये सोच रहे थे कि गुजरात का आखिरकार होगा क्या। गुजरात से तमाम तरह की आशाएं छोड़ी थी क्योंकि गुजरात की एक ऐसी इमेज थी कि गुजरात केवल ब्रोकरेज खाकर के अपना काम करने वाला एक स्टेट है, कि भाई कोई चीज इतने रुपए में लिए उसको थोड़ा ज्यादा महंगा करके बेचेंगे, तो ब्रोकरेज के तौर पर काम करने वाले ब्रोकर्स के तौर पर उनको जाना जाता था, स्टॉक मार्केट ब्रोकर को या फिर कमीशन देने वाला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कच्छ के भूकंप के बाद में गुजरात को आत्मनिर्भर बना करके रख दिया। जिस रण में कोई जाने को तैयार नहीं होता था, जिस कच्छ के रण में जाने को कोई तैयार नहीं होता था, आज वो गुजरात के तोरण के तौर पर, यानी कि एक डेकोरेटिव सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कच्छ को देखा जाता है। तो गुजरात का कायाकल्प करके रख दिया। हम इस बात को जानते हैं कि गुजरात आज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है इन्वेस्टमेंट की। जिस समय पर लोग इन्वेस्टमेंट से कतराते थे, सोच रहे सरकार का काम थोड़ी है इन्वेस्टमेंट आना, जो कंपनियां वो अपना इन्वेस्टमेंट करती रहेंगी, लेकिन अर्ली 2000 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात नाम की शुरुआत की और कहा कि भाई हम लोग इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करते हैं, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी वो आए, तमाम देशों के साथ पार्टनरशिप की। जापान, कोरिया को आज से 20-25 साल पहले उन्होंने गुजरात के अंदर बुलाया और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स को यहाँ पर लगवाया गुजरात के अंदर। हम इस बात को जानते हैं कि टाटा का किस तरह से वेलकम किया था, जब उनको बंगाल के अंदर जगह नहीं मिल रही थी तो उनका गुजरात में स्वागत हुआ, गुजरात में उनको मैसिव प्लांट लगाने की बात के लिए मंजूरी दी गई थी। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बना के रखी है, और यही वजह है कि गुजरात चूंकि एक एंटरप्रेन्योरल स्टेट के तौर पर देखा जाता है, और यही वजह है कि यंगस्टर्स जो है वो इस मोदी जो मैजिक की बात करते हैं, जो मोदी मैजिक जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। 27 साल के बाद भी ये प्यार कम नहीं हुआ, ये मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है, मोदी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है गुजरात के अंदर, और इसी की झलक हम देखते हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर मंथन कर रहे हैं प्राइमरीली कि कैसे इतने लंबे समय तक भी कोई अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रख पा रहा है, कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, केवल बुजुर्गों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, जो यंगस्टर्स एक बहुत बड़ा तबका होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो 18+ का जो वोटर का जो एक जो जो आप पैटर्न समझिए, उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है और बुजुर्गों के साथ भी इक्वली कनेक्ट कर रहा है, आदिवासियों के साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है, और प्राइमरीली जो महिला वर्ग है उनके साथ भी इक्वली कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्शन है, ये तभी आता है जब जमीन से जुड़े रहते हैं, जमीन पे आपने काम किया होता है, आपको पता होता है किस तरह से काम किया जाता है, और वही देखिए कि चाहे इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर हो, चाहे पानी को पहुंचाने के मोर्चे पर हो, चाहे रूरल क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अर्बन क्षेत्र के अंदर हो, इन तमाम क्षेत्र के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और कनेक्ट उनका साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ करके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और चाहे महिला हो, बच्चे हो, आदिवासी हो, ट्राइबल हो, रूरल क्षेत्र के लोग हो, अर्बन क्षेत्र के लोग हो, रविवार के दिन गुजरातियों को एक तरह से मैसिवली सड़कों पर आना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये आसान नहीं होता कि गुजराती अपने कंफर्ट देखता है, घूमने फिरने चले जाता है, लेकिन ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो के लिए पिछले 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी झड़क को पाने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आज किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ करके लगातार जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। यही बताता है कि जिस तरह की पॉपुलैरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, केवल गुजरात नहीं, ऑल ओवर पूरे देश के अंदर, और जानते कैसे उनकी पॉपुलैरिटी को एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल कई सारी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन से भी, कि वर्ल्ड लीडर्स के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ती है, वर्ल्ड लीडर्स का नाम शुमार होता है, तो गुजराती का सीना भी चौड़ा होता है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है गुजराती दूसरे गुजराती के साथ। इसी वजह से इस समय पर हम ये देख रहे हैं ये प्यार प्राइम मिनिस्टर मोदी के। जी अरुण, जिस तरह से आपने मोदी मैजिक की बात की है, जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और देश के हर भाग में दिखाई देता है, और अमूमन हमने देखा है कि तमाम चुनावों में वो दिखाई भी दिया है, चुनावी समीकरण पलटते हुए दिखाई दिए हैं, इस बार भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो या सभा देखते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो अलग ही दिखाई देती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लास्ट गुजरात के चुनाव को देखिए तो उन्होंने कहा, जो एक स्लोगन दिया था उन्होंने कहा कि भाई हूं छू विकास, हूं छू गुजरात, यानी मैं ही विकास हूं, मैं ही गुजरात हूं। इस स्लोगन के साथ से बीजेपी सरकार आगे जाती है, जिसको एक्सेप्ट किया गुजरात के लोगों ने, और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है। उन्होंने जब पिछले बार के चुनाव में गुजरात में भी कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को मिल रहा है, तो वो हमने देखा भी, हम देख रहे थे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात में अपने बेसिस लगा रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। दूसरा, इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, और इसी थीम को लेकर क्यों आगे जा रहे हैं कि अब जो देश को हमें 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसको लीड गुजरात करेगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे निकल रहे हैं। अगर आप इनके संकल्प पत्र को देखेंगे बीजेपी की, बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि गुजरात की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन की बनाने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत मैसिव आंकड़ा आप कह सकते हैं। जहां एक तरफ देश जो अचीव करने की कोशिश कर रहा है, $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो गुजरात के संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 1 ट्रिलियन की अपनी अर्थव्यवस्था गुजरात की बनाना चाह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आइडिया ये है, वो जानते हैं कि गुजरात की वो स्टेट है जो कर सकता है, कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, कि डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, उसे विकसित गुजरात बनाने की जरूरत है। और इस थीम के साथ में, इस चीज को लेकर के वो आगे बढ़े, तो इस बार की जो आप बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे कह चुके हैं, वो उनकी हर रैली में, मतलब लगभग हमने उनकी 2 डजन से भी ज्यादा रैलीज को ट्रैक किया है, समझा है, सुना है, वो हर रैली में इसी बात को कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, यानी कि ना नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र जो सीएम है गुजरात के वो लड़ रहे हैं, और ना ही वहां के कोई भी एमएलए लड़ रहे हैं। इस बार के जो गुजरात के जो इलेक्शन है वो वहां की जनता लड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में खड़ी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गुजरात की जनता है वो इस बार चुनाव लड़ रही है, और उसी को फैसला करना है कि उन्हें विकसित गुजरात किस तरह से बनाना है। तो इसी थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि हर बार वो इनोवेटिव स्लोगन, इनोवेटिव थीम के साथ में आते हैं, और इस बार वो क्लियरली जनता को आगे अपने साथ लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है और वही उनको जिताएगी, और विकसित गुजरात की वो बात करें, डेवलप गुजरात की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो गुजरात का जो अर्बन वोटर्स है वो मैसिवली, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अगर गुजरात में इन्वेस्टमेंट आता है, जो बड़े बड़े जो गुजरात में जो कारोबारी वर्ग है उनके लिए बहुत सारे फायदे होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकर के जो रूरल जो क्षेत्र का वोटर है वो इस बात को समझ रहा है कि भाई गुजरात में भी बीजेपी की सरकार अगर रहती है और दिल्ली में भी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, यानी कि दिल्ली में भी जो बीजेपी की सरकार है, तो वो इस चीज को देख रहा है कि पिछले 7-8 साल के अंदर अगर एक रूरल क्षेत्र के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को अगर आयुष्मान योजना के तहत उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिसको बीजेपी कह रही है कि अब इलेक्शन में जीतते हैं तो उसका जो कवर है वो 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। देखिए, पहले 5 लाख रुपए तक का कवर था आयुष्मान भारत के अंदर, तो इस बार वो 10 लाख करने की बात कर रहे बीजेपी। तो आयुष्मान का फायदा इन जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे, रूरल बेल्ट में रह रहे, इनको फायदा होता दिखाई देगा।
दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं, जो रूरल क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने अपने घर मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात को प्रोमिनेंट स्टेट में से आता है जहाँ पे आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घरों को बनाया गया है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप उजाला उज्ज्वला इन तमाम इनिशिएटिव का फायदा गुजरात के लोग को बहुत मैसिवली मिलता हुआ दिखाई दिया है। कोई भी सड़क बनानी हो, हाईवे बनाने हो, तो चूंकि दोनों केंद्र में और राज्य के अंदर एक बीजेपी की सरकार है, तो जो जो इनके प्रोजेक्ट्स है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, फाइनलाइज होते हैं, अप्रूव होते हैं। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इस बात को जानते हैं कि गुजरात का कहीं पर भी नाम आता है, प्रोजेक्ट की बात आती है, उसको इमीडिएटली और एज सून एज पॉसिबल उनको अप्रूव किया जाता है। तो यही वजह है कि रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर के चलते प्राइमरली ये जो जो तमाम जनता जनार्दन है वो अपना प्यार इस समय जो बरसा रही है वो टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अरुण, और जिस तरह से गुजरात मॉडल की आपने बात की है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और उसमें लीडिंग रोल गुजरात का, लेकिन गुजरात मॉडल काफी समय से चर्चा में है। अमूमन जितने भी चुनाव होते हैं गुजरात मॉडल की चर्चा जरूर होती है, इसकी वजह क्या है और ये अब किस तरह से एक नई शेप ले रहा है? देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि गुजरात ने ही एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में भेजा। गुजरात मॉडल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि कई सारे इनोवेटिव आइडियाज गुजरात से निकल करके आए, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टर समिट की कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती थी। आज से 20 साल पहले सरकारें ये सोचती थी कि भाई बिजनेस करना, व्यापार करना हमारा काम नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह कॉरपोरेट सेक्टर देखेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार निकल करके आते हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तो क्लियरली कहते हैं कि आप वो वाइब्रेंट गुजरात जैसा समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरफ कच्छ का भूकंप आ गया जिसकी वजह से पूरी की पूरी गुजरात की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ऐसे में उन्होंने कैसे जो आपदा फंड अवसर में कन्वर्ट करने की सोचा। कच्छ जैसी जगह पर हम जानते हैं कि बिल्कुल रण था, वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं होता था। आज देखिए डीजीपी जैसी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे होती है, कई सारी कॉपरेटिव फेडरलिज्म को अंजाम देती कॉन्फ्रेंसेस को कच्छ में उसका आयोजन किया जाता है, जिसे हम रण ऑफ कच्छ में उनका आयोजन किया जाता है। और व्हाइट स्टैंड के नाम से मशहूर है जो रण ऑफ कच्छ, और जिसकी वजह से जो आपदा को अवसर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, गुजरात की स्ट्रेंथ को और एनहेंस किया और वीकनेसेस को उन्होंने कहीं ना कहीं लगाम लगाई। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात की स्ट्रेंथ थी एंटरप्रेन्योर स्किल्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को और एनहेंस किया गया। हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम बनाया गया, गुजरात में बिजनेस करना आसान है। बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात को सबसे पहली प्रेफरेंस देती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, अगर उनको अपना एक प्लांट लगाना है तो उन्हें चिक नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह जाएंगे, उनका पूरा काम हो जाएगा, अपने प्लांट को लगा सकेंगे। हाल ही में देखिए फॉक्सकॉन जैसी बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी जो पूरी दुनिया भर के अंदर सेमीकंडक्टर को सप्लाई करती है, वो तमाम जगहों को छोड़कर के भारत में गुजरात को चुनती है कि भाई हम यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे। तो वेदांता के साथ में प्लांट फॉक्सकॉन का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा, फोर्ड, मारुति, हम जानते हैं तमाम कंपनियों ने अपने अपने बेसिस को गुजरात में लगाया। तो ये एक तरह से उनका स्ट्रेंथ को उन्होंने और एनहांस किया। गुजरात की वीकनेस क्या थी? गुजरात की वीकनेस थी कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कच्छ को छोड़िए, जो सदर्न गुजरात के जो प्रोमिनेंट शहर है वहां भी पानी नहीं आया करता था। और ये बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन पे रहने के बाद इस बात को बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जो क्षेत्र जो थे सदर्न गुजरात के, सौराष्ट्र के, वहां पर पानी नहीं आया करता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय पर सोनी योजना जैसी शुरुआत करी, सोनी परियोजना की शुरुआत की, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्यूबवेल्स के अंदर आप देखेंगे कि पानी को पहुंचाया गया। और आज देखिए कच्छ का जो बॉर्डर एरिया भी है वहां तक भी नलों के अंदर पानी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जल से नल से जल की बात करें तो इसका सीधा फायदा गुजरात में रूरल क्षेत्र को मिला है। और जो इसकी वीकनेस थी पानी, वो कहने की सुलटी है। तो चाहे रूरल हो अर्बन हो, दोनों को ही इक्वली टारगेट करते हुए, दोनों के लिए इक्वली काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियरली दिख सकते हैं। हमने देखा पिछले लगभग दो डेकेड के अंदर, और जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें अपने आप में जो कहते हैं पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वही बात हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस लोकप्रियता में दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजन है। जब हम गुजरात मॉडल की भी बात करते हैं तो उसमें एक जो सोच दिखाई देती है, जो दूरदर्शिता दिखाई देती है, और जो वहां की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, जिसे नब्स पकड़ना कहते हैं, उन्हें समझना और उसके अनुरूप काम करना, उन्हीं से समझकर और उन्हीं के बीच में जाकर, ये अपने आप में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह भी रहा है। और वहां पर जब हम लगातार गुजरात मॉडल की बात करते हैं और गुजरात के एक लीडिंग रोल की बात करते हैं, उसमें भी ये दिखाई देता है। अरुण,
बिल्कुल। और अगर आप गुजरात के लोगों को समझने की कोशिश करें तो गुजरात के लोग एक गुजराती से बहुत बेहतरी के साथ रिलेट करते हैं। वो इस चीज को देख के खुश होते हैं कि हमारे बीच का ही एक व्यक्ति, यहाँ का बच्चा, यहाँ का एक तरह से जिसको डीकरा बोलते हैं गुजराती के अंदर, कि भाई यहाँ का जो लड़का है, बच्चा है, वही पूरे इंडिया में एक तरह से प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और गुजरातियों के लिए तो खासकर जाना जाता है। हमने कई बार देखा भी कि जो यहाँ के लोग भी बताते, कई सारे एमएलए हमें बताते गुजरात के, कि जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजरात के विषय में कोई बात करनी होती है तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्हें समय ना मिला। उनको सबसे पहले टाइम दिया जाता है, सबसे पहले उनसे मुलाकात की जाती है। तो दिखाता है कि कैसे गुजरातियों को ये पता है कि भाई दिल्ली में कोई है जो उनके लिए बैठा हुआ है, एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो गुजरातियों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गुजरातियों को पसंद आती है कि भाई हमारे बीच का ही कोई वहां पर है। दूसरा, आज इंटरनेशनल कई सारी आप जो टॉप जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपनी रेटिंग निकालते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग कितनी है। इसमें जो बाइडेन भी आते हैं, जर्मन की लीडरशिप भी आती है, फ्रेंच की लीडरशिप भी आती है, तो इनकी अप्रूवल रेटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78% तक की अप्रूवल रेटिंग पाते हैं जब उनकी सैम्पलिंग की जाती है, जब वोट कराए जाते हैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो जब ये गुजराती लोग देखते हैं, गुजरात के लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ का व्यक्ति ना केवल प्राइम मिनिस्टर है पर दुनिया भर के अंदर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो वर्ल्ड लीडर्स के अंदर भी सबसे टॉप पर है, तो वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे गुजरात का नाम केवल भारत के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे तो भारत की जो इकोनॉमी जो थी वो लगभग 9वें या 10वें नंबर पे थी। उसके बाद आप देखिए पिछले 7-8 साल के अंदर लगातार हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रो करती है और आज की तारीख में यूके को पीछे करके भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि गुजरात के लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए गर्व का विषय बहुत है कि गुजरात, अपने आप में गुजरात को समझेंगे तो एक गाने में गुजरात को समझ सकते हैं। गुजरात कहता है जय जय गरवी गुजरात, वो इसी गीत के ऊपर चलता है और ये जो धुन है ना जय जय गरवी गुजरात, ये बात अपने आप बताती है कि भाई गुजरात अपने आप पे गर्व करता है और जब उनको कोई गर्व कराता है, उनको गौरवान्वित महसूस कराता है तो उससे बड़ी बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। और वही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी वजहों की वजह से इन गुजरातियों के साथ में कनेक्ट करते हैं। पॉपुलैरिटी 27 साल के बाद भी कम ना होना मायने रखता है। बड़े बड़े लीडर्स अपनी पॉपुलैरिटी खो देते हैं लेकिन लगातार कनेक्टेड रहे गुजरात के साथ में, और यही वजह है तस्वीरें कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। जी, भावनात्मक लगाव तो है ही लेकिन जिस तरह का विकास वहां पर देखने को मिला है जो आप लगातार बता ही रहे हैं, और वहां पर जो आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक पिलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाई है। जिस तरह से अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, औद्योगिक सिटी से कहा जाता है, व्यापारियों की हम बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करते हैं, इसके अलावा तमाम सुविधाओं की, और जिस तरह से वहां पर औद्योगिक निवेश हुआ है और उसके साथ साथ जो विदेशी निवेश है उसके लिए भी लोकप्रिय डेस्टिनेशन गुजरात वहां पर बना है, इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरुण, बिल्कुल रमा जी, वो इसलिए रही है क्योंकि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने पहले इस बात को समझ लिया था कि जो नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर मैसिव चुनाव लड़े जाते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आए तो उन्होंने एक तरह से राजनीति को बदल करके रख दिया। आज की तारीख में आपको एक बात का क्रेडिट तो बीजेपी को कम्प्लीटली देना पड़ेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आज आप जो हाल में जितने भी चुनाव देखते हैं कोई भी कास्ट के आधार पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करता चाहते। हो सकता है रूरल क्षेत्र के अंदर कुछ के फैक्टर्स हो लेकिन अगर बहुत मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं नामो निशान एक तरह से खत्म हो गया। और जो दो दशक पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही डोमिनेंट रहती थी, इनफैक्ट जो टिकट भी दिए जाते थे काफी कास्ट को ध्यान में रख के दिए जाते थे, लेकिन दो दशक के अंदर आप देखिए नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने या नरेंद्र मोदी लेड जो हम लोग बीजेपी की बात करते हैं उन्होंने डेवलपमेंट को की एजेंडा बनाया। आज आप देखिए लोग एजुकेशन की, हेल्थ की या डेवलपमेंट की बात करते हैं उस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज जितने भी संकल्प पत्र आज की तारीख में देखेंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज गुजरात में संकल्प पत्र या फिर जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आ रही हैं वो हर जगह एक ही बात कह रही है कि भाई हम इतना विकास करेंगे, हम ये करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। तो डेवलपमेंट एक की फैक्टर निकल करके आया है। तो जिसने एक तरह से डेफिनेशन चेंज कर दी चुनाव लड़ने की,
जिसने डेफिनेशन चेंज कर दी एक तरह से कि राजनीति के मायने बदल दिए कि कैसे जो राजनीति करनी चाहिए। तो ऊपर साफ तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि गुजरात उस तरह से लीडिंग रोल में रहा। जिस समय पर लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, गुजरात एक तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा था। जब टाटा जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट के कॉर्पोरेट को बंगाल जैसे क्षेत्र से ना हो जाती है, उनको वेलकम नहीं मिलता, तो गुजरात उनका दिल खोल करके स्वागत करता है। आज बड़ी सी बड़ी कंपनी जो कॉर्पोरेट है, कॉन्ग्लोमरेट है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट जायंट हैं, वो सब गुजरात के अपने बेसिस को लगाना प्रेफर कर रहे हैं। इसका क्लियरली गुजरात को फायदा मिला है। और केवल यही नहीं कि केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जो छोटे छोटे इश्यूज थे, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे, दोनों एक तरह से ऑपोजिट पोल्स हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, जो जो गवर्नमेंट स्टाफ है, या फिर हम जो हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की जो कई दिक्कतें थी उनको सीधे तौर पर सुनना, उनके लिए बेटर पॉलिसीज को बनाना। लेकिन एक चीज जो क्लियरली बीजेपी की रही है, वो क्लियरली ये है कि अगर गुजरात विकसित होता है, गुजरात विकसित गुजरात बन जाता है, तो तमाम लोगों को फायदा होगा उसका, हर स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा, आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि गुजरात को अभी तरह टूरिज्म हब के तौर पर बनाने की बात चल रही है, जैसे बड़े लेवल पर टूरिज्म हब बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन के अगर हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए, गुजरात में प्रोमिनेंट साइट्स जो कि हेरिटेज साइट है जिसको डेवलप किया गया है, लोथल जैसी जगह जिसको लोग नहीं जानते थे, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं। मोढ़ेरा जैसी जगह को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ पर मोढ़ेरा जैसी जगह भी है। बेट गुजरात की बात, बेट द्वारका की बात की जाती है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से गुजरात को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। आज गुजरात को केवल एक इंडिया का स्टेट नहीं माना जाता है, आज गुजरात को माना जाता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है जिस पर दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो गुजरात जैसे स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, वो एक तरह से जो प्रोमिनेंट स्टेट की श्रेणी में बात की जाए, तो जैसे कर्नाटका क्योंकि बैंगलोर की वजह से, गुजरात क्योंकि अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों की वजह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आतुर होते हैं आने के लिए। और गुजरात की इस तरह से जो शक्ल है उसे चेंज करके रख दिया है। आज से दो दशक के पहले गुजरात में ये बहुत बहुत नोन फैक्ट है कि कम्युनल हार्मनी नहीं थी। आज से दो दशक पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी, आए दिन दंगे हुआ करते थे और दंगे होना बहुत कॉमन बात था। क्योंकि मैं खुद गुजरात में पला बड़ा हूँ, मैं रहा हूँ गुजरात के अंदर, मेरी परवरिश गुजराती हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि दो डेकेड्स पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत मेजर इशू था। तो आज दो दशक के अंदर देखेंगे कि आज पूरे गुजरात के अंदर बहुत शांति और कम्प्लीटली कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है, लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो गुजरात मॉडल ये है कि वो भाईचारा दिखा रहा है, गुजरात मॉडल ये है कि वो इन्वेस्टर्स का खुले हाथों से स्वागत कर रहा है, गुजरात मॉडल वो है कि वो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। क्योंकि हमने देखा कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो कि नेक्स्ट जनरेशन बनाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल वो है जहाँ पे रूरल और अर्बन की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है, जो सुविधाएं अर्बन क्षेत्र की मिल रही है उसको कैसे रूरल बेल्ट तक लेकर के आया जाए, तो उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। गुजरात मॉडल वो है कि 27 साल के बाद भी लगातार एक जो लीडर है, जो टॉप बीजेपी लीडर है, उसका कनेक्ट लगातार बरकरार रहता है गुजरातियों के साथ में। ये गुजरात मॉडल अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो विकास किया गया है वो अब कहीं ना कहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी रेप्लिकेट हो रहा है। ये तमाम चीजें बताती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस वजह से बढ़ रही है कि गुजरात मॉडल को देश के अन्य स्टेट्स भी रेप्लिकेट करते हैं, अन्य स्टेट्स रेप्लिकेट कर रहे हैं, उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो या हाई स्पीड ट्रेन की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी हाई स्पीड है उसको पहुंचाने की बात हो, ब्रिजेस को पहुंचाना हो, स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी की हम बात करते हैं, जो कि सरदार साहब की जो स्टैच्यू है, जो दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू है सरदार साहब की, वो वहां पर मौजूद है। तो गुजरात को टूरिज्म के मोर्चे पर इतना बेहतरीन से उभारा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि अब जो भी इस दुनिया में सबसे बड़ा होगा वो गुजरात के अंदर ही होगा, चाहे आप स्टैच्यू की बात कर लीजिए या किसी भी चीज की बात कर लीजिए, रिकॉर्ड अब गुजरात बनाएगा। और इसी वजह से विकसित गुजरात के नारे को लेकर इस इलेक्शन के अंदर लीड कर रहे हैं बीजेपी को। और क्लियरली उनका मंत्र है कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, ये उनका क्लियर तत्व है। और साफ तौर पर उनका कहना कि इस बार की जो चूंटनी, यानी कि जो इलेक्शन है इस बार के, जिसको गुजरात में चूंटनी कहा जाता है, तो इलेक्शन को क्लियरली गुजरात
के लोग ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है, कोई ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, ये केवल गुजरात की जनता जो इस बार के इलेक्शन लड़ रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ट्रस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का गुजरातियों के ऊपर और क्या वो ट्रस्ट रेप्लीकेट होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये जो ट्रस्ट है ये उससे जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं जो वहां पर काम हुए हैं कहा जा सकता है कि उनसे और ज्यादा मजबूत होता है। जिस तरह के विकास की आपने बात की है, आधारभूत संरचना की बात की है, तमाम क्षेत्रों में काम किया गया है, टूरिज्म हब की आपने बात की है और तमाम तरह की कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, गुजरात को एक विकसित गुजरात और विकास का केंद्र गुजरात, और उसी के तहत ये भी घोषणा की गई कि ट्विन सिटी का मॉडल बनेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और यही बात है। एक तो कहा जाता है रमा जी, जो बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात के अंदर है, सूरत के अंदर है, तो कहा भी जाता है कि सूरत नु जमण अने काशी मरण, ये दो चीजों के लिए लोग, ये कहावत कही जाती है कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, ये जिसको भी मिल जाए वो एक तरह से वो एक तरह से उसकी नैया पार हो जाती है। सूरत नु जमण यानी सूरत का खाना, और काशी अगर कोई मृत्यु के बाद कोई काशी तक अगर जा सके तो उसके बाद उनको एक तरह से जो दिवंगत आत्मा होती है उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो प्राइमरली भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये तमाम बातें कही जाती हैं और ये रीजन एक कल्चरली बहुत ही इंटैक्ट गुजरात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, वो केवल केवल गुजरात की नहीं लेकिन गुजरात को कैसे गुजरात मॉडल को कैसे रेप्लीकेट किया जा सके और कैसे तमाम कल्चर को एक साथ कनेक्ट किया सके। अभी हाल ही में मैं देखा तमिल संगम की जो हमने बात देखी जो काशी में हुआ, हम देखें कि इंटरनेशनली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में बाली के अंदर थे, वहां पर वो जो बाली का जो फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जा रहा था उसकी बात को वो रखते हैं, तो वो भारत के हर कल्चर को इंटरनेशनली रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट देते हैं, जो तोहफे देते हैं मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की साइडलाइन के ऊपर, उनका क्लियरली फोकस इस बात पर होता है कि भाई जो छोटे छोटे आर्टिजन होते हैं, चाहे गुजरात का आर्टिजन हो, काशी के आर्टिजन हो, तमिलनाडु के जो आर्टिजन हो, जो हैंडलूम वीवर्स हैं, उन्होंने जो चीजें बनाई है वो कैसे वर्ल्ड लीडर्स को तोहफे में दी जा सके, गिफ्ट मिल जा सके। अमूमन वर्ल्ड लीडर्स इस तरह से गिफ्ट जब देते हैं तो बहुत ही फॉर्मल रहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चीज पर बड़ी कड़ी निगाहें रखते हैं और कैसे इंडिया की कल्चर को इंटरनेशनली लेकर के आया जा सके। और अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को गुजरात की जो आर्ट थी वो मुहैया कराई गई, तो जो गुजरात की आर्ट अगर किसी वर्ल्ड लीडर तक पहुंची तो आप समझ सकते हैं किसी आदिवासी ने उसको बनाया होगा, किसी ट्राइबल ने उसको बनाया होगा, किसी रूरल क्षेत्र के अंदर बैठी हुई किसी महिला ने, किसी आदिवासी महिला ने, किसी ट्राइबल महिला ने उसको बनाया होगा जो वर्ल्ड लीडर तक पहुंच रही है। तो इसके दो फायदे, एक उस महिला का, उस आदिवासी महिला ने जो बनाया, जो आर्टिजन ने उसको बनाया, उसको पहचान मिल रही है कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स तक उसका सामान पहुंच रहा है, और दूसरा हमारी आर्ट को, हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हमारे जो आर्टिजन है, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भारत की बात बताने के लिए, जो भारत की बात है उसको बताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उसे इंटरनेशनली रखते हैं, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली उस चीज को पिचिंग करते हैं, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहे किसी भी बात पर डिबेट कर सकते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस बात पर जब डिबेट करते हैं तो एक बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि भारत का कद पिछले कई सालों के अंदर काफी मैसिवली बड़ा है। भारत अगले साल G20 जैसे समिट को दिल्ली में करने जा रहा है, इंडिया के अंदर G20 समिट हो रहा है, देश की 15 से ज्यादा लोकेशन के अंदर आप चाहेंगे कि G20 की अलग अलग मीटिंग होने वाली है, वर्ल्ड लीडर्स भारत के अंदर आने वाले हैं। G20 जैसा मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग जो समिट है वो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो इसी वजह से जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सब भारत जैसे देश के अंदर हो रहे हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो ये अपना आप दर्शाता है कि जो तमाम लोग हैं उनका जो छाती चौड़ी होती है, जो उनका कद बढ़ जाता है, ये सब बात सुनकर की जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है उस चीज पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टर कम्युनिटी को अपील करते हुए,
दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली जो नेशनलिज्म की बात होती है, जो भारत की बात होती है, उसके माध्यम से कनेक्ट करते हुए और जिस तरह की जो सेंट्रल स्कीम चलाई गई है, जिसमें कि आपकी आयुष्मान योजना आ गई है, स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, नल से जल की बात आ जाती है, उज्ज्वला और उजाला जैसे इनिशिएटिव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, इनके माध्यम से कैसे बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको टच करने की कोशिश की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर जो क्वार्टर में हम बात की जाए जो जो 2000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते किसानों के, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को उसका फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात एक वो प्रोमिनेंट आप स्टेट कह सकते हैं जिसका फायदा किसान सम्मान निधि का फायदा वहाँ की जरूरतों को यानी कि किसानों को मिलता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर हफ्ते के लोगों को एक तरह से टच अपॉन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि रोड शो तो कई लीडर्स करते भी हैं जिसकी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिस तरह की मैथ अपील जो हम देखते हैं वो शायद कोई वर्ल्ड लीडर या कोई जो लीडर है वो नहीं कर पाएगा ना होगा। और गुजरात में भी हमने हाल ही में देखा कई लीडर्स ने रोड शो करने की कोशिश की लेकिन शायद सड़कें बिल्कुल खाली थी। लेकिन इस समय पर जो रोड शो हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इस रविवार के दिन जब गुजराती आपस से घूमना पसंद करते हैं, मूवीज देखने जाना पसंद करते हैं, मॉल देखने जाना पसंद करते हैं, ऐसे में वो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए कनेक्ट होने के लिए आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं जब हम मोदी मैजिक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे और विश्वास की बात करते हैं और एक मजबूत कनेक्ट की बात करते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में, हमने देखा है कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर आई हुई हैं और जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहले महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित वातावरण नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं में उतनी आत्मविश्वास नहीं था, उतनी आत्मनिर्भरता नहीं थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो स्कीम्स आई हैं, महिलाओं के लिए जो काम किया गया है, महिलाओं का ये जो उत्साह है वो अपने आप में उसको बयां करता है। बिल्कुल बयां करता है। नंबर 1 सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था आज से 2 दशक पहले, यानी कि लगभग 20 साल पहले महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। आप ग्रामीण क्षेत्र में छोड़िए, अर्बन क्षेत्र में अगर महिलाएं सोचे कि भी रात को 10-11 बजे निकल जाए तो एक उनके लिए एक थ्रेट था। कई सारे केसेस हुआ करते थे महिलाओं के खिलाफ, तो महिला सिक्योरिटी आज से 2 दशक पहले बहुत बड़ा मुख्य आप इशू कह सकते थे गुजरात वासियों के लिए हुआ करता था। लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि एक बहुत ही फर्म जो एक्शंस लिए गए, बहुत ही फर्म पॉलिसीज बनाई गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि महिलाओं को बहुत ही सुरक्षा मिली। और आज आप चले जाइए, नवरात्रि होती है, रात को गरबे होते हैं, लेकिन आप देखिए महिलाएं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी निकल जाएं कोई दिक्कत नहीं आती है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से गुजरात आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर जगह है महिलाओं के लिए। दूसरा, महिलाओं को जो मुद्रा योजना, क्योंकि हम जानते हैं गुजरात एक वो एंटरप्रेन्योरशिप रखने वाला एक स्टेट है, तो मुद्रा योजना में हम इस बात को देखते हैं कि जो सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की है इसमें से 60-70% के आसपास जो बोरोवर्स हैं वो महिला बोरोवर्स हैं, और उसमें भी गुजरात सबसे अग्रणी राज्य पड़ता है जिसमें मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ऋण दिए हैं, तो एक तरह से वो आत्मनिर्भर बनी है। तो क्लियरली जो जो छोटे छोटे जो जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो अपना चाहे वो जो हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़े हो, मैं छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स लगाई हूँ, इनमें जो महिलाएं काम करती हैं जिनको अपनी कैपेसिटी जो बेसिस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो मुद्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके लिए निकल करके आया। तो स्टैंडअप इनिशिएटिव और मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा गुजरात की महिलाओं को बहुत मिला जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन पाए। तीसरा प्रोमिनेंट पॉइंट था एजुकेशन को लेकर के। इससे पहले होता ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लड़कियां थी जो पढ़ना चाहती थी उनको या तो बड़े शहरों में जाना पड़ता था जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, या फिर हम देखते थे कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ करके, उनके लिए ये था कि भाई अब बच्ची 17-18 साल की अगर हो गई तो उसकी शादी हो जाया करती थी। लेकिन अब गुजरात में हमने एक बहुत मैसिव पैटर्न देखा है कि क्योंकि पिछले हमने देखा कि एक दशक के अंदर देखेंगे 1.5-2 दशक के अंदर कि गुजरात के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो टेक्निकल जो कोर्सेज कराने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो जो टेक्निकल नोहाउ या टेक्निकल कोर्सेज कराती हैं, वो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में मैसिवली खुली हैं। जो गुजरात सरकार का फोकस था कि कैसे टेक्निकल या फिर स्किल्स मुहैया कराई जा सके, हम जानते हैं इस बात को गुजरात के लिहाज से स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ऐसी चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो या फिर जो अन माइक्रो यूनिट्स में जो जो काम स्किल्स काम आती है उस बात हो, इस तरह कई सारे कोर्सेज जो जो टेक्निकल जो नो हाउ या टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो टियर 2 टियर 3 टाउन में खुले हैं जिसका महिलाओं को सीधा फायदा मिला है। यही वजह है कि महिलाओं के बीच में भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा।
बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सुधाकर भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अरुण बता रहे हैं कि लगातार लोगों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, लोगों का जो प्यार है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और जो उनका एक कनेक्ट है, जो भावनात्मक लगाव है, वो एक बहुत बड़े विश्वास की वजह से है। प्रधानमंत्री में लोग अपने विकास को देखते हैं, प्रधानमंत्री में लोग अपने आत्मविश्वास को देखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं सरकार के अंदर। बिल्कुल, और देखिए रमा, सबसे बड़ी बात है कि आज जरूर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की चुनावी जनसभा हो या कोई और सभा हो, कितनी बड़ी भीड़ होती है, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके कार्यशैली या उनके निर्णय में चुनावी राजनीति की छाप नहीं रही। जो भी उन्होंने काम किया, देश हित के लिए किया, आम लोगों के हित के लिए किया, और कभी चुनावी नजरिए से चुनावी फायदे के लिए वो उनकी सोच में शामिल नहीं रहा, और इस बात को वो बार बार कहते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे साहसिक फैसले करने की बात हो, एक स्पष्ट इच्छा शक्ति दिखाने की बात हो, तो वो दिखाते रहे, और उसके साथ वो जब कड़े और बड़े फैसले लेते हैं तो उसके साथ वो जनता के बीच जाते हैं, जनता से उसको लेकर संवाद करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और इस बात को बीते दो दशकों में देश में गुजरात की जनता ने खासतौर से शिद्दत के साथ महसूस किया, और शायद यही वजह है कि लगातार उनकी लोकप्रियता में इस तरह का इजाफा होता जा रहा है। और देखिए, कई किलोमीटर का हम ये सफर देख चुके हैं, लगातार ये उनका रोड शो चल रहा है, और किस तरह से उनकी गाड़ियों के साथ लोग भागते जा रहे हैं, एक झलक उनकी पा लेना चाहते हैं। और आज सूरत में ये दिख रहा है, लेकिन गुजरात के आप किसी भी शहर में, किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में चले जाइए, और जो इनका उनका विजन रहा है, चाहे कच्छ से लेकर बात करें, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां वहां थी, या फिर आज अब कोविड काल तक की बात कर लीजिए, तो विपरीत परिस्थितियों में भी, आपदा में भी, जिस तरह से उन्होंने अवसर बनाया गुजरात में, खासतौर से कृषि हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज के सारे, गुजरात की उन्होंने जो गाथा लिखी है, ऐसे सूरत शहर की बात की कर ली जाए तो जो घोघा हजीरा हम जानते हैं, रो रो पैक्स सर्विसेज, किस तरह से गुजरात के कई अन्य इलाकों को सूरत जैसे बिजनेस सिटी के साथ कनेक्ट कर रहा है। सूरत की बात की जाए तो ताप्ती नदी पर जिस तरह से दर्जनों पुल बनाए गए हैं, एक ड्रीम सिटी के तौर पर सूरत को विकसित किया जा रहा है, जहां जो लोगों को चाहे गरीबों के घर बनाने की बात हो, तो यहां जो स्थानीय लोगों का जीवन बदला है। सूरत एयरपोर्ट के लिए हम जानते हैं रमा की वर्षों तक मोहताज रहा था, एक सीएम के तौर पर केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को लगातार पीएम मोदी उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार में उस तरह से बीती सरकारों ने उस मुद्दे को नहीं समझा। आज सूरत एयरपोर्ट देश के सबसे, एक तरह से कह सकते हैं, वाइब्रेंट एयरपोर्ट में से है, सबसे ज्यादा सवारियां यहाँ आती हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हो, संस्थाओं को बनाने की बात हो, मुद्दों को एक तरह से हल करने की, गुजरात में दो दशक पहले बिजली की कितनी समस्या थी, खासतौर से रूरल इलाके, उस वक्त उन्होंने उस बिजली की समस्या का समाधान किया, 24 आवर्स बिजली उस वक्त, और वो रेप्लीकेट किस तरह से उन्होंने देश में किया, हम जानते हैं सौभाग्य योजना के जरिए किस तरह से देश के हर घर में बिजली पहुंचाई गई। हम जानते हैं नर्मदा पर जो सरदार सरोवर डैम है, उसकी आधारशिला कभी देश के पहले प्रधानमंत्री के वक्त में रखी गई थी, 4-5 दशक तक उस पर कोई काम नहीं आ पाया। आप हम जानते हैं जब पीएम मोदी इस संकल्प को लेकर आगे बढ़े तो किस तरह से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, कभी आदिवासियों के बहाने, कभी पर्यावरण के बहाने, लेकिन वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति, आज देखिए नर्मदा में न सिर्फ सरदार सरोवर डैम के जरिए गुजरात के तमाम हिस्सों को पानी मिल रहा, बल्कि जो सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है, वो एक तरह से भारत के गर्व की पहचान के तौर पर स्थापित हुआ। केवड़िया को जिस तरह से एक विजन के साथ उन्होंने डेवलप किया, उसका सबसे बड़ा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के आसपास के युवाओं को, और सबसे ज्यादा अगर किसी, हम जानते हैं मॉन्यूमेंट पर इस तरह के दर्शनीय स्थल पर जाते हैं तो इसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी जगहों को भी पीछे छोड़ दिया। 80 लाख से ज्यादा विजिटर अभी एक 1.5 महीने पहले का आंकड़ा था,
वहां विजिट कर चुके हैं, तो किस विजन के साथ वो काम करते हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि जिस हम्बल बैकग्राउंड से पीएम मोदी आते हैं, हम जानते हैं कि जिस गरीबी में उनका बचपन बीता, बावजूद इसके जिस इच्छा शक्ति के साथ, अध्ययनशीलता के साथ, संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े, तो वो जो आम लोगों की मुश्किलों को, बुनियादी मुद्दों को वो समझते हैं। हम जानते हैं कि चाहे देश में 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाने की बात हो, आज 9 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर्स जो माताओं को धुएं से मुक्ति बनाने का जो उनका संकल्प था, या फिर आज हर घर जल पहुंचाने की बात हो रही, या फिर हर सब किसी को उनका अपना एक घर देने की के लिए कोशिश हो रही, आज 3 करोड़ से भी ज्यादा घर जो देश में बन चुके हैं, तो सबके पीछे ये सोच है कि वो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, देश की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। और उनका यकीन, अब देखिए बीती सरकारों में जो हम जानते हैं कि किसी खास प्रोग्राम के लिए आप कुछ बजट अलोकेट कर दीजिए, साल दर साल वो चलता रहेगा, उसके बजाय नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की ये सोच रही है कि अगर कोई समस्या है उस समस्या को एक सिरे से सुलझाया जाए, उसको खत्म किया जाए। अगर टॉयलेट की समस्या थी तो उस टॉयलेट की समस्या को देश में से एक तरह से खत्म कर दिया। हम जानते हैं कि आज देश किस तरह से ओपन डिफेकेशन फ्री हुआ है, स्वच्छता की बात आज जो खासतौर से सूरत में जिस तरह का प्रयोग हुआ स्वच्छता को लेकर, तो सूरत आज देश के लोगों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण है जी। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक टेक्सटाइल क्लस्टर वहां पर सूरत में मेगा क्लस्टर बनाया जा रहा है, किस तरह से वहां के टेक्सटाइल उद्योग को फायदा होने वाला है, डायमंड सिटी के लिए जो ड्रीम सिटी बनाने का प्रोजेक्ट है किस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया का एक सबसे बड़ा डायमंड हम सूरत बनेगा। और निश्चित तौर पर ये जो कोशिशें हुई है उसकी वजह से, और आप जो रिफॉर्म्स की बात, हम वही बात उसके मूल में भी आती है रमा जी, एक स्पष्ट इच्छा शक्ति के साथ कि आप इस सोच के साथ नहीं कि हम कोई फैसला करते हैं तो उससे क्या चुनावी फायदा होने वाला, बल्कि ये सोच कि उससे देश को क्या फायदा मिलने वाला है, लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, तो उस मकसद के साथ रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स में भी खास तौर से तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाने की कोशिश, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कैसे मिल सके आम लोगों के लिए, उनके जिंदगी से भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सके, देखिए डीबीटी के जरिए किस तरह से भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है। एक वक्त हम जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो आम लोगों की जेब में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, यानी 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन आज डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 26 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे आम लोगों के खातों में भेजी गई है, और बिना किसी भ्रष्टाचार के, यानी 100 का 100 पैसा पूरा रुपया सीधे उनके खातों में पहुंचता है। तो ये एक इनोवेटिव सोच, एक विजन जिस व्यक्ति के पास होता है वो उसको कर सकता है। आज जैम प्लेटफॉर्म की हम जानते हैं कि जनधन आधार मोबाइल के जरिए किस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने की बात हो, या फिर लोगों की जिंदगी को सुलभ बनाने की, आज पीएम मोदी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के लिए भी लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो उनका मानना है कि अगर आप लोगों को सुविधाएं दें, अगर लोगों की जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करें, तो वो आत्मविश्वास उनको मिलता है और वो देश की प्रगति में भी योगदान दे सकता है। तो गुजरात में ये करके दिखाया, गुजरात में जिस तरह से हम जानते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री, बहुत चर्चा होती है कि गुजरात में इंडस्ट्री के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो सच्चाई है एक, आप वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहिए, आपको क्या चाहिए होता है कि आपको एक अच्छी जमीन चाहिए होती है, कनेक्टिविटी चाहिए होती है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहिए होता है, जो लाइसेंस परमिट की मजबूरियां होती है वो कम से कम दिक्कतें पैदा करे, उस तरह की स्थिति वो गुजरात में है। लेकिन उसके साथ साथ ही गुजरात में जो ग्रामीण विकास की जो उन्होंने नींव रखी है, हम देखते हैं आज बनास डेयरी किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल रहा है, वहां क्या फ्रेंच फ्राई किस तरह से दुनिया के कई देशों में पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ डेयरी उत्पादों की ही बात नहीं है, तो जो पोटैटो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरह की जो एक गाथा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने की बात, आदिवासियों को भी अधिकार संपन्न बनाने की बात, तो एक अधिकार संपन्न बनाया है उन्होंने गुजरात के नागरिकों को, और उसकी वजह से सूरत की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा, ये किलोमीटर का स्नेह है रमा, आप ये कह सकती हैं।
बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि एक दूरदर्शी सोच, एक विकास, जो विकास है वो हर जन तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, कोई भी इससे अछूता ना रहे। और जिस तरह से देश के गौरव की आपने बात कही है, चाहे वो सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात हो या फिर विभिन्न प्रतिमान जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने अर्जित किए हैं, छुए हैं, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की जो बात है उसको समझा जाता है, उसको सराहा जाता है, उस पर गौर किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की वैश्विक छवि भारत की बनी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब विकास की बात करते हैं। और जिस तरह से अरुण भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव से संबंधित जो पुराने मिथक थे, जो पुरानी धारणाएं थी, अवधारणाएं थी, पुराने तरीके थे, जो पुरानी होड़ थी, उन सबको छोड़कर अब विकास के तलाश में जो है लोग आते हैं और चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता है। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है जब गुजरात गौरव की बात करते हैं, गर्वी गुजरात की बात करते हैं, देश के विश्व में गौरव की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस गौरव की बात को कितना बड़ा मुद्दा बना देती है, कितना ऊंचा उठा देती है। बिल्कुल, देखिए, और गुजरात को जिस तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, संवारा है, तो वो गुजरात के लिए उनका प्यार और उनके प्रति गुजरातियों का प्यार ये इस वक्त सूरत की सड़कों पर हमको दिख रहा है। और निश्चित तौर पर आप गर्वी गुजरात की उन्होंने जो बात की, तो सिर्फ बात की नहीं, गुजरात अपने पर गर्व कर सके, गुजराती गर्व कर सके, उसके लिए उन्होंने वो पूरा माहौल बनाया, पूरा परिदृश्य बनाया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी जब वो इस मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तो उन चुनौतियों को किस तरह से उन्होंने हल किया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना वाक्य बता रहे थे 2008-09 में जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन की बात सोची थी, तो आयोजन हो रहा था, लेकिन एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको सलाह दी कि इस आयोजन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, अभी कोई इन्वेस्टमेंट आने नहीं वाला है। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मेरी इच्छा शक्ति है, अगर मेरे प्रदेश में इस तरह का वातावरण है जो निवेश के लिए मुफीद है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सूट करता है, या एक बहुत बेहतर वातावरण है, तो जरूर निवेश आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उस साल जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था उसमें सबसे ज्यादा निवेश एक तरह से आया था। और देखिए, कोविड के टाइम में भी आपको याद होगा रमा, कि उस वक्त जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से मुसीबत का सामना कर रही थी, लोगों तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचाई जाए, मदद पहुंचाई जाए, उससे जूझ रही थी, उस वक्त अगर किसी देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया था वो भारत में आया था। भारत 130-135 करोड़ लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से डीबीटी के जरिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, हम जानते हैं कि अभी लगातार कोविड के समय से लगातार चल रही है, 4.5 लाख करोड़ रुपए उस पर अब तक खर्च हो चुके, तो किस तरह से गरीबों की, आम लोगों की, आम नागरिकों की मदद की गई इस सोच के साथ कि देश का एक भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए, तो इनोवेटिव विजन, एक वो जो संवेदनशीलता हृदय में होती है उसकी वजह से आती है। और निश्चित तौर पर गुजरात में जिस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात के मुद्दों का खासतौर से सौराष्ट्र के इलाके की बात की जाए, कच्छ के इलाके की बात की जाए, अरुण भी बता रहे थे वो जो पानी की समस्या थी पिछले, अगर 2-3 चुनाव पहले की बात की जाए, 15-20 साल पहले की बात की जाए, तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आज ना सिर्फ हर घर तक पानी पहुंचा है सोनी योजना के जरिए, नहरों का जो जाल बिछाया गया है गुजरात में उसके जरिए, बल्कि अब एक तरह से इरिगेशन में और भी आधुनिकतम उपाय क्या किए जा सकते हैं उसकी सोच, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ देश जा रहा है, तो सूरत अगर उसकी बात की जाए तो सूरत में प्लांट लगा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दुनिया के मानचित्र में आने वाले समय में अगर किसी जगह का नाम होगा तो सूरत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। तो ये जो मौके प्रधानमंत्री मोदी ने मुहैया कराया, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था 2 दशक पहले, लेकिन आज सांप्रदायिकता की बात हो, आतंकवाद की बात हो, वो बीते दिनों की बात हो चुकी है,
गुजरात में आज गुजरात पहले से ज्यादा सुरक्षित है, महिलाओं को जिस तरह से वहाँ अधिकार मिले हैं, आदिवासियों के लिए हम जानते हैं कि आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो उसके लिए उन्होंने किस तरह से एनरोलमेंट उनका बढ़े उसके लिए किस तरह से कोशिश की। स्मार्ट क्लासेस की अगर देश में कहीं सबसे पहले शुरुआत हुई तो वो गुजरात में हुई, तो इस तरह के जो छोटे छोटे जो इनोवेशन है वो गुजरात से शुरू हुए और इस वजह से आज गुजराती नरेंद्र मोदी पे गर्व करता है और अपने प्रदेश पे भी गर्व करता है। बिल्कुल, जिस तरह के इनोवेशन की बात कर रहे हैं, नवोन्मेष की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वहां पर विकास की बात कर रहे हैं और जन जन के उल्लास की बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुधाकर, जो दृश्य हैं उनमें हम देख रहे हैं कि लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से नियंत्रित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए दोनों ओर भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। दृश्यों में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग वहां पर ढोल लेकर भी खड़े थे, तो अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का प्यार और प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास। और प्रधानमंत्री अब जनसभा में पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और जनसभा स्थल के आप देख सकते हैं ये दृश्य, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, आतुर हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह, जोश दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं भारी संख्या में, और ये दृश्य आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ के बीच से प्रधानमंत्री का काफिला। और प्रधानमंत्री ने भी पूरा समय प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं, उन्होंने अपने काफिले को धीमा करके लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। लोग जो उनसे मिलने को आतुर हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं अपनी अनूठी शैली में। तो ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व है, जिस तरह का उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। सुधाकर, हम आपसे बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि तमाम तरह के जो नए वहां पर प्रयोग किए गए हैं, नए कदम उठाए गए हैं, सहकारी संघवाद की हम बात करते हैं, गुजरात उसमें भी अपने आप में एक बड़ा प्रयोग रहा है। बिल्कुल, देखिए, और महिलाओं को काफी फायदा मिला है इससे। बिल्कुल देखिए, और एक उदाहरण गुजरात ने देश के सामने एक बनाया है, उसके लिए देखिए इस सोच के साथ काम करने की जरूरत होती है। हम जानते हैं पीएम मोदी की पहचान रही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के वायदे के साथ। उन्होंने एक तरह से कन्वर्जेंस, न सिर्फ गवर्नेंस में कन्वर्जेंस हो, सेलोज को खत्म किया जाए इसके इस सोच के साथ, बल्कि एक तरह से फ्यूचरिस्टिक सोच, और उसमें कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा स्थान है। और हम जानते हैं कोऑपरेटिव का जिस तरह से उन्होंने विस्तार किया है, सिर्फ अमूल के आगे भी अब बनास डेयरी की बात हो रही है, तो एक नई पहचान कोऑपरेटिव को गुजरात में जिस तरह से मिली है। और जानते हैं कि आज कोऑपरेटिव में अगर काम करने वाली सबसे ज्यादा लोग है तो 65-70% वो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो आर्थिक तौर पर आज आत्मनिर्भर हैं, वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए फैसले कर सकती हैं। और सिर्फ दूध के जरिए ही नहीं बल्कि अन्य भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जरिए वो जो गुजरात के विकास की, देश के विकास की एक नई गाथा लिख रही है। हम जानते हैं कि उनके नेतृत्व में 2019 में जब दोबारा पीएम मोदी की सरकार आई वापस केंद्र में, तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का भी गठन किया। आज गृहमंत्री अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, और जिस तरह से जो पुराने कोऑपरेटिव कानूनों में सुधार के जरिए जो गुजरात को फायदा मिला है, गुजरात की महिलाओं को फायदा मिला है, जो आत्मनिर्भर गुजरात कोऑपरेटिव के जरिए बना है, उसका फायदा पूरे देश को मिल सके, उसकी उसके लिए कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर हम अभी इस वक्त देख रहे हैं कि उनकी रैली में शामिल होने के लिए बड़ी आतुरता के साथ, धैर्य के साथ लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक नजर जाती है रमा, सिर्फ सिर नजर आ रहे हैं लोगों के, एक बड़ा बहुत बड़ा हुजूम। अब देखिए कितनी तेजी से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा है।
नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अरे आज आ सूरत शहर मां देशभक्तोनो टोलो जामियो छे, बधा एक साथ बे हाथ ऊंचा करीने भारत माता की। अरे तमने खबर छे के नहीं, आज सूरत एक नवो इतिहास लख्यो। मोदी साहेब ना रूट मां अघोषित रोड शो 28 किलोमीटरो सुधी सूरत ना लाखों लोकोए मोदी साहेब ने वधाव्या, सूरत नी माताए मोदी साहेब ने आशीर्वाद आप्या, सूरत ना युवानोए मोदी साहेब ने अभिनंदन आप्या। अने तमने सौने आजे हूँ आभार मानु छू के कलाको थी मोदी मोदी ना नारा जोड़े तमे आ ग्राउंड ने गुंजावी लीधु छे। आपणे सौ लोको आ देश ना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपनी सौनी वच्चे आवी चुक्या छे। जारे स्टेज पर आवे बद्दा पोतानी मोबाइल मा फ्लेश लाइट चालू करीने एक ज नारा जोड़े संदेशो सूरत ना मोटा वराछाती दिल्ली सुधी पहुंचे एना माटे तमे तैयार छो, बद्दा तैयार छे, तो बधा ज लोको उभा थईने एक साथे हजारो लाखो फ्लेश लाइट जोड़े आपड़ा सौना नेता आपड़ा देश नु मान सन्मान मोदी साहेब आवे त्यारे एक साथे मां भारती नो नारो लगाड़ीशो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी साहेब तुम आगे बढ़ो। अरे आजे सूरते इतिहास लख्यो छे, दुनिया भर नो सौथी मोटो अघोषित रूट ने रोड शो मां बदली नाखो। सूरत ना लाखों लोको मोदी साहेब ने जोवा माटे एमने आशीर्वाद आपवा माटे रोड पर उमटी पड़िया। तमे सौ लोको कलाको थी आपड़ा मोदी साहेब ने वधावा माटे आ भेगा थया छे। हजारों लाखों लोको एक साथे आजे आ फ्लेश लाइट नो एक नवो इतिहास लखवाना छे। आपड़ा सौ ना नारा बंद ना थवा जोईए। आजे सौ लोको ने विनंती छे के अवाज दिल्ली सुधी पहुंचाड़वानो छे, एक एक ना कान मां पहुंचे वो पहुंचाड़वानो छे, गुजरात ने तोड़वा वाला लोको सुधी अवाज पहुंचाड़वानो छे। आ तमारो अवाज सांभळीने अनेक लोको आज ज सूरत छोड़ीने भागी गया छे। भाई एक साथे नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। अरे आ नजारो जोवा माटे लोकोए वर्षो वर्ष सुधी राह जोवी पड़े। ज्यां सुधी नजर जाय छे एनथी भी आगल सुधी आ फ्लेश लाइट नो आज नो नजारियो बिल्कुल अलग छे। देशभक्तों नो आ टोलू आजे मां भारती ना नारा जोड़े सूरत शहर मां चारे खूनाओ पर मोदी साहेब तुम आगे बढ़ो, मोदी साहेब तुम आगे बढ़ो, भारत माता की, भारत माता की। आ गुजरात तोड़वानी प्रयत्न करता एक एक लोगों ने जवाब आपवा वाला देशभक्तों नो नारो आजे क्या क्या सुधी संभळातो हशे। आपणे सौ लोको एक साथे मोदी साहेब ना स्वागत मां छेल्ला अनेक कलाको थी देशभक्ति ना रंग मां रंगाया छे, एवा सौ लोको ने हुं आभार मानु छुं। तमे कल्पना करो 15 मिनिट मां एरपोर्ट थी अहींया पहोंचवा वाला रूट पर लाखो लोको भारतीय जनता पार्टी ने वधावा माटे आपड़ा सौ ना नेता मोदी साहेब ने वधावा माटे
28 કિલોમીટરો સુધી સુરતના લાખો લોકો આજે રોડ પર મોદી મોદીના નારા જોડે સુરત આખું ગુંજી ઉઠ્યું એવો ઐતિહાસિક એક નવો ઇતિહાસ આજે સુરત શહેરના સૌ નાગરિકોએ લખ્યો છે. આ નવો ઇતિહાસ બીજા કોઈના નામે નહીં, આપણા ગુજરાતની જનતાના નામે આપણી સુરતની ધરતી પર આ એક નવો ઇતિહાસ લખાયેલો છે. આપ સૌ લોકો ફરી એકવાર આપણે સૌ લોકો તૈયાર છો? અરે ભાઈ તૈયાર છો? આ રૂપાલા સાહેબે કીધું 4 દિવસ સુધી તૈયાર રહેવાનું છે. મજબૂતાઈથી આ રંગ આ જોશ ઘટવો ના જોઈએ. આપણા મોદી સાહેબ કલાકો સુધી સુરત શહેરના લોકોને મળતા મળતા આપણા વચ્ચે આવી રહ્યા છે. આપણે સૌ લોકો ખૂબ જુસ્સા જોડે જોશ જોડે મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરીશું. આજે મોબાઈલમાં બેટરી પતવી ના જોઈએ, આ ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ જ રહેવી જોઈએ. ભાઈ બેટરી છે ને, તો એક નવો ઇતિહાસ લખવાનો છે ને આજે સ્વાગતમાં. અહીંયા લાખો લોકો મોદી સાહેબને વધાવવા આવ્યા છે અને બહાર બી 28 કિલોમીટરો સુધી લાખો લોકો મોદી સાહેબને વધાવતા હતા. આપણે સૌ લોકો આજે ફ્લેશ લાઇટથી આદરણીય મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરીશું. આ પાછળના બ્લોકમાં બધા તૈયાર છે ને ઝાડની પાછળ? હા જો દેખાય ફ્લેશ લાઇટ. આ હજારો લોકો તો ઝાડની પાછળ છુપાયેલા છે. આ બાજુ બી ઝાડની પાછળ હજારો લોકો. તમે ભલે અહીંયાથી દેખાતા ના હો, તમારા ફ્લેશ લાઇટથી સંદેશો આપજો. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આજે આપણા સુરત શહેરનું દ્રશ્ય જોઈને દેશભરના લોકો વિચારતા રહી ગયા કે આ રૂટ અઘોષિત રોડ શો જેમાં લાખો લોકો મોદી સાહેબને આશીર્વાદ આપવા માટે રોડ પર ઉતરી ગયા, કલાકો સુધી મોદી મોદીના નારાથી સુરત શહેર આજે ગુંજી ઉઠ્યું છે, ત્યારે તમે સૌ દેશભક્તો તમારી તો વાત જ ના થઈ શકે. કલાકોથી હું સાંભળું છું મોદી મોદીના નારા આખા ગ્રાઉન્ડ ની અંદર ગુંજી રહ્યા છે. આપ સૌ દેશભક્તોને બે હાથ જોડીને વંદન કરીએ છીએ. આપણી સૌની વચ્ચે ટૂંક જ સમયમાં આપણા નેતા દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. આપ સૌ લોકોનો જુસ્સો આજે દેશભક્તિની તાકાત બી શું હોય એના બી દ્રશ્ય લોકો જોશે. સુરત શહેરની ગલી ગલીઓમાં આજે એક જ મિનિટમાં આપણી સૌની વચ્ચે આપણા લોકપ્રિય નેતા દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબ આપણી સૌની વચ્ચે આવવા જઈ રહ્યા છે. સૌ લોકો પોતપોતાની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરી લે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. નરેન્દ્રભાઈ તુમ આગે બઢો, ભારત માતા કી. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનં અધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં, પરિત્રાણાય સાધૂનાં, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય. ભારત માતા કી. ગુજરાતના ભણોતા પુત્ર અને વિશ્વના મહાનાયક આદરણીય વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ફોર્માલિટી વગર હું સીધા જ એમને આપના વતી નમ્ર વિનંતી કરીશ
કે પધારો આપના માર્ગદર્શન માટે, અમે આતુર છીએ, અમારું માર્ગદર્શન કરશો. ખૂબ ખૂબ આગ્રહભરી વિનંતી સાથે આદરણીય વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. સૌથી તો પહેલા આપ સૌને ક્ષમા માંગુ છું, કારણ મને પહોંચવામાં ખૂબ મોડું થયું અને 3-4 કલાકથી તમે બધા રાહ જોઈ રહ્યા છો. જીવનમાં રોડ શો તો ઘણા કર્યા છે, પણ એ બધા રોડ શો પહેલેથી નક્કી થયેલા હોય, કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું હોય. આજના મારા કાર્યક્રમમાં ક્યાંય રોડ શો હતો જ નહીં, સીધું મારે અહીંયા પહોંચવાનું હતું. પરંતુ લગભગ 25 કિલોમીટર લાંબો જનસાગર આ આશીર્વાદ, આ પ્રેમ, હું રસ્તામાં વિચાર કરતો હતો કે સુરતના આ પ્રેમને, સુરતીઓના આશીર્વાદને, આ જોમ જુસ્સાને મારા પર આવડું મોટું ઋણ તમે કરી દીધું છે કે એનું ચૂકતે કેવી રીતે કરીશ. પણ સુરતના મારા ભાઈઓ બહેનો, લખી રાખો, જ્યાં હોય ત્યાં તમે કહેશો એના કરતા સવાયું કરીશ. જે લોકો રાજકીય સમીક્ષા કરતા હોય છે, એમણે જો આજનો એરપોર્ટથી અહીં સુધીનો જનસાગર જોયો હોય, અને રોડ શો કહેવાય જ નહીં, આ જનસાગર હતો, તો એમણે કહેવું પડશે કે આ વખતે ગુજરાતે બધા જ વિક્રમો તોડવાનું નક્કી કરી દીધું છે. પોલિંગમાં વિક્રમ તોડશે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના મતોની ટકાવારીમાં વિક્રમ તોડશે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળનારી બેઠકોમાં પણ વિક્રમ તોડશે. મને જ્યારે સુરતના લોકો ને લગભગ ગુજરાતના લોકો એમ કે સાહેબ તમારે આ વખતે ચૂંટણીમાં આવવાની જરૂર જ નથી, મારા સુરતના ઘણા લોકોએ મને કહ્યું સાહેબ તમે શું કરવા મહેનત કરો છો, અમે બધું સંભાળી લઈશું. પરંતુ આજે દ્રશ્ય જોયા પછી મને લાગે છે એમણે સંભાળી જ લીધું છે. મને તો લાગે છે કે હું તો કદાચ આપ પવિત્ર પુણ્ય કાર્યમાં એક આચમન પુણ્ય લેવા તમારી પાસે આવ્યો છું. ભાઈઓ, સમગ્ર વાતાવરણ એક જ સ્વરથી ગુંજી રહ્યું છે, એક જ નાદ, ફિર એક બાર. ભાઈઓ બહેનો, લોકોના મનમાં આ તો થાય કે નરેન્દ્રભાઈ બધું સુરતની તો ગેરંટી છે કે અહીંયા અમે કોઈને પેસવા જ નહીં દઈએ, તેમ છતાં તમે આટલી મહેનત કરો છો. હું ચૂંટણી માટે નથી આવ્યો ભાઈઓ,
હું તો તમારા આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, કારણ કે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ એ ઉર્જાનું કામ કરે છે અને મને દેશ માટે દોડવાની, દિવસ રાત દેશ માટે કંઈક કરવાની તાકાત આપે છે, પ્રેરણા આપે છે. આ તમારા આશીર્વાદ એ મારી મોટી ઉર્જા છે. ભાઈઓ બહેનો, સુરત કોઈ એવો વિષય નહીં હોય કે જેમાં આજે પાછળ હોય. મારું સૌભાગ્ય હતું કે ગયા મહિને મને ભાવનગરમાં 500 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નમાં જવાનો અવસર મળ્યો અને એવી દીકરીઓ હતી જેમણે પોતાના પિતા ગુમાવી દીધા હતા, પણ ત્યાં પણ મને સુરતની સુવાસ દેખાતી હતી. ભાઈ, સુરત મહેકતું હતું એ સમારોહમાં, અને તમે ડાંગના જંગલોમાં કામ કરતા લોકોને જુઓ, એમાંય સુરતની છાપ દેખાય. અહીંયા આધુનિક હોસ્પિટલો જુઓ તો એમાં મારું સુરત હોય. રક્તદાન શિબિરમાં રેકોર્ડ કરવાના હોય તો એ મારું આ વરાછાન મારું સુરત. મોટા મોટા સરોવરો બનાવવાના હોય તો પણ મારું સુરત. સ્કૂલો બનાવવાની હોય તો એ સુરત. સોલાર એનર્જીનું અભિયાન ચલાવવાનું હોય તો પણ સુરત. ભાઈઓ બહેનો, સુરતે સમાજ ભક્તિની, સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની આજે ઉમદા પહેલ કરી છે. આજે જ્યારે સુરતની ધરતીમાં તમારી વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે સમાજ માટે દેશ માટે કરનારા તમને સૌને આદરપૂર્વક નમન કરું છું, આપના અભિનંદન કરું છું. ભાઈ સાથીઓ, જ્યારે ઈચ્છા શક્તિ મજબૂત હોય તો મોટા મોટા લક્ષ્ય પણ હાંસિલ થતા હોય છે, અને સુરત એનું સાક્ષી છે. એક સમય હતો આપણા સુરતને દુનિયાભરમાં બદનામ કરવામાં આવ્યું હતું, અને એવું બદનામ કર્યું હતું કે ભાઈ કોઈ સુરત જતું હોય તો રોકે, ગામવાળા રોકે, એટલે ભાઈ ત્યાં ન જાય, ત્યાં તો બધી મુશ્કેલીઓ છે. પરંતુ આ સુરતે પોતાના પુરુષાર્થથી, પોતાના સંકલ્પથી, પોતાના સામર્થ્યથી આજે નવી ઊંચાઈઓ સર કરી દીધી છે, અને આખું હિન્દુસ્તાન સુરત ઉપર ગર્વ કરે એવી સુરતની સુરત તમે બનાવી છે. ભાઈઓ, કોણ હિન્દુસ્તાની હોય જેને ગર્વ ન થાય કે દુનિયાના આગળ વધી રહેલા 10 શહેરોમાં એક આપણું સુરત છે, દુનિયાના 10 શહેરોમાં. આ એમનેમ નથી બન્યું ભાઈ, પગ વાળીને બેઠા નથી, પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી છે, અને આ પરિશ્રમની સુવાસ જો આજે અમારું આ ડાયમંડ સિટી, એમાંથી ટેક્સટાઇલ સિટી, બ્રિજ સિટી, સુરતના લોકોનું ડ્રીમ સિટી, અને હવે તો આઈટીના સ્ટાર્ટઅપનું માયાજાળ, સુરતની નવી પહેચાન. જોત જોતામાં આઈટીમાં પણ સુરત આખા ગુજરાતને ખેંચી જશે એવો મારો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે. જુવાનિયાઓને 100-100 સલામ. આ શહેર જેટલું પુરાતન છે એટલું જ ફ્યુચરિસ્ટિક પણ છે, ભવિષ્યને જોનારું, સમજનારું. આ આની ધરતીમાં જ કઈ તાકાત પડી છે. ભાઈઓ, સુરતનું સામર્થ્ય શું છે
मने हवे समझाए थे कि अंग्रेजों सूरत शू करवा पहला आया था एमने त्या बैठा खबर पड़ी थी कि सूरत में कई दम छे एटले सौथी पहला पग एमने मूक्यो तो अहींया अने आ सूरती कोई ताकत बनावी बतावी दीधी छे कि अमारा में कई छे। भाईओ भाईओ बहनों भाजपनी आ डबल इंजीन सरकार सूरत ने फ्यूचर रेडी बनावा माटे अविरत प्रयास करे छे। अमारु फोकस सूरत ना इंफ्रास्ट्रक्चर ने आधुनिक बनावा पर छे। हमणां हजारों करोड़ रूपया ना नवा प्रोजेक्ट एना शिलान्यास लोकार्पण थया अने गुजरात नी ओळख आखा हिंदुस्तान में साबरमती रिवरफ्रंट की चर्चा थाई छे। मारा माटे गर्वनी बात छे हवे सूरत तापी रिवरफ्रंट पण दुनिया में नाम गजवशे। बायोडायवर्सिटी पार्क सूरत नी भव्यता में चार चांद लगावी रह्युं छे। भाईओ बहनों इन्फ्रास्ट्रक्चर नी बाबत में आप विचार करो आ सूरत में आटला बधा ब्रिज आटला बधा फ्लायओवर आटला बधा रोड आ बधु न बन्यु होत तो अहींनु जीववानु संभव थात? अहींनु जीवन संभव होत? इन्फ्रास्ट्रक्चर नी बाबत में कांग्रेस अने अमारा विचारवानी आसमान जमीन अंतर छे। कांग्रेस एम ज विचारे छे કે ભાઈ ભારતમાં આ બધું કરવાની જરૂર નથી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ચક્કરમાં પડવાની જરૂર નથી, જેમાંથી વોટ મળે એ જ કરવાનું, ટુકડા ફેંકો, જાતિવાદ કરો, ભ્રષ્ટાચાર કરો, ભાઈ ભાઈને લડાવો અને પોતાનું કાઢી લો। અને કોંગ્રેસની આ સોચ કેવી છે તમને જાણીને આઘાત લાગશે નવજવાન મિત્રો। લોકસભાની અંદર જ્યારે ચાઇનાની સીમા ઉપર રોડ બનાવવાની ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે કોંગ્રેસના જમાનાના રક્ષામંત્રીએ પાર્લામેન્ટમાં જવાબ આપ્યો હતો કે અમે આ બોર્ડર ઉપર રોડ એટલા માટે નથી બનાવતા, તમને હસવું આવે તો હસવાનું નહીં, ગુસ્સો કરજો નહીં તો તમે હસી પડતો પાછા। એમણે એવું કહ્યું હતું કે બોર્ડર ઉપર રોડ બનાવીએ પણ ચીનવાળા એનો ઉપયોગ કરે તો એટલે અમારે બનાવવા જ નથી। બોલો ભાઈ આવી વિચારધારાવાળા લોકો દેશનું ભલું કરી શકે? ભાઈઓ કરી શકે? તમે તો ભાઈ પોલીસવાળાને બંદૂક નહીં આપો કેમ? તો ભાઈ ગુંડવાઈને પડાઈ જાય તો? મને સમજાતું નથી કે આવી વિચારધારાથી દેશ કેવી રીતે આગળ વધે। भारतीय जनता पार्टी आधुनिक विचार साथे चालनारी पार्टी छे, आवतीकालनो विचार करनारी पार्टी छे अने अमारा माटे देशना उज्ज्वल भविष्य माटे जेम समाजनु घडतर थवू जोईए, व्यक्तिनु घडतर थवू जोईए, एम माळखु पण मजबूत बनवू जोईए, इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होवू जोईए। अने दुनियाना जेटला पण समृद्ध देशो तमे जुओ ने अने सूरतवाळा तो छास वाळे विमानमां होय, દુનિયાના સમૃદ્ધ દેશો જુઓ તો પહેલું એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દેખાય તમને, મોટા મોટા પુલ હોય સાહેબ, મોટા મોટા રોડ હોય, આની એક અસર હોય છે। અને મને ગર્વથી કહેવું છે ભાઈઓ સુરતના અમારા સાથીઓ તમે આ દુનિયાને જાણો છો, તમે ભવિષ્યની દુનિયાને સમજો છો એટલે આની તાકાત શું છે અને તમે એને ગૌરવ કરી શકો। આજે દુનિયાનો સૌથી લાંબો પુલ એ ભારતમાં આપણે બનાવ્યો છે, દુનિયાનો સૌથી ઊંચો રેલવે બ્રિજ આપણે ભારતમાં બનાવ્યો છે, દુનિયામાં સૌથી ઊંચાઈ પર સડક બરફોની વચ્ચે આપણે બનાવી છે, દુનિયામાં સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આપણે બનાવ્યું છે, દુનિયાનો સૌથી મોટો સોલર હાઇબ્રિડ પાર્ક આપણે બનાવ્યો છે।
આપણા ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે આજે ભારત દુનિયામાં ડિજિટલ લેનદેનમાં પૂરા વિશ્વમાં જે ડિજિટલ લેનદેન થાય છે કોઈ પણ મિનિટે એમાં 40% હિન્દુસ્તાનમાં થાય છે દોસ્તો આખી દુનિયાના 40% અહીંયા આ જુવાનિયાઓ કરે છે અને હવે તો ભારત બુલેટ ટ્રેન અને સુરતવાળાને તો મુંબઈ બહુ સહેલું પડી જવાનું છે આજે આપણે મેડ ઇન ઇન્ડિયા વંદે ભારત ટ્રેન દોડાવી રહ્યા છે કોઈ પણ ભારતીયનો છાતી 46 ઇંચની 56 થઈ જાય વાર ના લાગે પહેલો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર લાખો કરોડ રૂપિયાના નિવેશ એ રોજગાર પણ આપે છે નવા અવસરો પણ લાવે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં તેજી લાવવા માટે ભાજપ સરકારે પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન બનાવ્યો છે ગુજરાતમાં ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી બની છે આ ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી એમાંથી જે જુવાનિયા નીકળવાના છે ને એ હિન્દુસ્તાનની ગતિની ઉર્જા બનવાના છે દોસ્તો અને એનો લાભ આ મારા સુરતને અને મારા ગુજરાતને મળવાનો છે લોજિસ્ટિકનો ખર્ચો ઓછો થાય એના માટે નવી લોજિસ્ટિક પોલિસી બનાવવામાં આવી છે આ બધા પ્રયાસોનો લાભ સુરત જેવા ધમધમતા અને વેપાર બાબતમાં સાહસિક લોકોથી ભરેલું સુરત સાહસથી ભરેલા એના જુવાનિયાઓ ફક્ત સુરતનું ભવિષ્ય ઘડશે એવું નહીં અહીંનો જવાનીઓ હિન્દુસ્તાનનું ભવિષ્ય ઘડવાનો છે દોસ્તો આ હું જોઈ શકું છું હું સમજી શકું છું ભાઈઓ બહેનો જયારે ડબલ ઇન્જિન સરકાર નહોતી ત્યારે શું થતું હતું કેટલા ઉદાહરણો છે આ આપણા સુરતમાં મેટ્રો દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સરકાર બેઠી હતી લટકાવી રાખી આ સુરતનું એરપોર્ટ હું મુખ્યમંત્રી હતો કહી કહીને થાકું આ સીઆર ને અમારા દર્શનાબેન અમારા એમપી રોજ ત્યાં ચક્કર મારે એમને સમજણ જ નહોતી પડતી કે આવડા મોટા શહેરને એરપોર્ટની જરૂર કેમ છે ભાજપ સરકાર કહેતી ગુજરાતમાંથી આપણે કહેતા ભાઈ સુરતને મેટ્રો આપો કેન્દ્રની કોંગ્રેસની સરકાર સાંભળવા તૈયાર નહોતી અમે કહેતા હતા કે નાના રાજ્યોને જેટલો કારોબાર આંતરરાષ્ટ્રીય આવાગમન થતું હોય નાના નાના દેશોનું એટલું એકલા સુરતની સંભાવના છે પરંતુ સુરત દિલ્હીને અમારી વાત સાંભળવામાં ફુરસદ નહોતી અને ગુજરાતે જ્યારે ડબલ એન્જિનની સરકાર બનાવી અને આપે જોઈ લીધું આજે સુરતનું એરપોર્ટ ધમધમી રહ્યું છે ભાઈ અને વાત અહીંયા નથી અટકતી અમે પડોશમાં અંકલેશ્વરમાં એરપોર્ટ બનાવી રહ્યા છીએ ઉડાન યોજનાને કારણે ભાવનગર અમરેલી રાજકોટ ચલો ત્યારે કઈક ખમર આવી હારો આટો મારી આવીએ અહીંથી જો ભાવનગર જઈને આજે પાછો આવે છે આ ડબલ ઇન્જિનની સરકારની તાકાત છે ભાઈઓ અને અમારું ઘોઘા હજીરા ફેરી સર્વિસ હું નિશાળમાં ભણતો ત્યારથી સાંભળતો હતો ફેરી સર્વિસ આ કોંગ્રેસ વાળાને કોઈ દાડ હુજ્યું નહીં આપણે કરી અને જે આ પ્રવાસની અંદર 8 થી 10 કલાક 12 કલાક લાગતા હતા અકસ્માતના ભય રહેતા હતા આજે 3.5-4 કલાકની અંદર આપણે પોંગી જઈએ આપણી ગાડી લઈને જઈએ કામ પતાવીને પાછા ગાડી પાછા અને એનાથી સુરતના લોકોને સૌરાષ્ટ્રના લોકોને કેટલો બધો ફાયદો થયો છે સાથીઓ યાદ કરો ડબલ ઇન્જિન સરકાર નહોતી ત્યારે આ સરદાર સરોવર બાંધ એની ઊંચાઈ વધારવા માટે દિલ્હી ગુજરાતની વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતું આપણને ઉપવાસ પર બેસવું પડ્યું અને એ લડાઈ લડ્યા સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધી અને એના કારણે આજે કચ્છ કાઠિયાવાડમાં પાણી પહોંચ્યું ભાઈઓ નહીં તો આખું કાઠિયાવાડ મારું ખાલી થઈ રહ્યું હતું સુરતમાં આવવાનું પહેલું કારણ આ જ હતું ભાઈઓ નર્મદાનું પાણી
दक्षिण गुजरात होय, सौराष्ट्र होय, कच्छ होय, भाइयों बहनों एक नवो आत्मविश्वास जगायो छे। विशेषकर सौराष्ट्र में तो नर्मदानु पानी ये विकासनु अमृत बनी रह्यु छे, विकासनु अमृत बनी रह्यु छे। परंतु भाइयों बहनों अमारा सूरतना लोको एक बात याद राखवानी जरूर छे, आवा लोको आपने आवाज ने कभी ना कहे ना भूलवी जोईए के जे लोकोए पंडित नेहरुए जेनो शिलान्यास कर्यो हतो, 50 वर्ष सुधी सरदार सरोवर डेमनी योजना ने खोरंबे पाड़ी, बांदरो विरोध कर्यो, विश्वमांथी आपणने कोई काणी पाई ना आपे एना माटे दुनिया में आपणने बदनाम कर्या, अने जे लोकोने लोकसभानी टिकीटो आपीने चूंटणीओ लड़ावी थी, भाइयों बहनों आवा तत्वोने गुजरातनी धरती पर पग मुकवा देवो ए पाप करवा बराबर छे मित्रों। कारण के 50 वर्ष गुजरातनी त्रण त्रण पेढ़ीओने तबाह करवानु पाप आ लोकोए करेलू छे। भाइयों बहनों जे तेज गति थी अर्थव्यवस्था चाली रही छे एनो लाभ सूरत सौथी वधारे लई शके, ज्यारे अर्थव्यवस्था नो विस्तार थतो होय छे तमे जुओ अहींया आपणे डायमंड लावीए घसीए पॉलिश करता था, ताकात उभी थी तो ज्वेलरी में जता रहा, अने हवे ताकात उभी थई तो लेब ग्रोन डायमंड में जता रहा, कि दुनिया ने चैलेंज करवा माड्या छे अमारा सूरत वाला लेब ग्रोन डायमंड। अहींना वेपारी में सामर्थ्य है, अहींना नागरिकों में सामर्थ्य है। 2014 में केन्द्र में भाजपनी सरकार बनी त्यारे अर्थव्यवस्था में दुनिया में आपणे 10 नंबर पर हता, 2014 में 10मा नंबरे। आटला बधा दायकाओ पछी पण 10मा उपर पहोंची गया था, पछी आपणे 9 पर पहोंच्या, 8 पर पहुंचा, 7 पर पहुंचा, 6 पर पहुंचा, अने हवे 5 पर पहुंची गया छे। दुनिया में आपड़ी अर्थव्यवस्था 5मा नंबरे पहुंची छे, पण आप 6 पर थी 5 पर आव्या ने एणे मोटो धमाको करी दीधो। 10मा थी 9 आया कहीं ना थयुं, 9मा थी 8 आया कहीं ना थयुं, 8मा थी 7 आया कहीं ना थयुं, 7मा थी 6 आया कहीं ना थयुं, पर 6मा थी 5 थया दुनिया में धमाको थयो। कारण खबर छे, कारण जे अंग्रेजों भारत पर राज कर गया 250 वर्ष सुधी ए पहला 5 ऊपर हता, आपणे एमने छठे धकेल्या 5मा पहोंची गया। हिंदुस्तानियों ने आनो गर्व छे भाईओ, आ ताकात उभी थई छे। आज आपणो टेक्सटाइल सेक्टर तेज गति थी बदली रह्यो छे, एक जमानो तो गुजरात खाली ट्रेडिंग स्टेट गणातु, एक जगह माल लईने बीजी जगह आपीने वच्चेमां दलाली मळे एमां रोजी रोटी चाले एवा दिवस होता, एमांथी आजे गुजरात मेन्युफेक्चरिंग स्टेट बनी गयु छे। आजे गुजरात की गणतरी देश सौथी महत्वपूर्ण मेन्युफेक्चरिंग स्टेट तरीके थवा माड़ी छे। 20 वर्ष पहला गुजरात में 1,25,00,000 रूपया मेन्युफेक्चरिंग थती थी, आजे गुजरात में 1,600,000,000 रूपया मेन्युफेक्चरिंग थाय छे भाई। क्यारे गुजरात में साइकल नहोती बनती भाई, साइकल आजे गुजरात में हवाई जहाज बनवाना काम शुरू थया छे, विमान अहींया बनशे दोस्तों। स्थिति केवी रीते बदले छे, मने हमणा हूं सुरेन्द्रनगर गयो हतो, सुरेन्द्रनगर में मने एक मेमोरेंडम आप्यु चूंटणी कार्यक्रम में, मेमोरेंडम आपने आनंद थाय। मेमोरेंडम केवु के साहेब अमने नाना विमान बनावानुं अमारे काम शुरू करवुं छे, पण एनो ट्रायल लेवा माटे अमने रनवे नाना नाना जोईए आजूबाजू। तमे विचार करो सुरेन्द्रनगर नी अंदर एक नानो कारखाना वालो मने एम के
कि साहेब अमे विमान बनावन चालू कर्यु छे, तमे तालुके तालुके नाना नाना रनवे करी आपो तेरी अमारा एना ट्रायल लेवानुं सहेलुं पड़ी जाय अने बीजू काई डिस्टर्बन्स ना थाय। आ गुजरात प्रगति करी रह्युं छे भाईओ। टेक्सटाइल सेक्टर में 20 वर्ष पहला 7 लाख लूम था, 2.5 लाख लूम था, आजे 7 लाख लूम छे भाई। सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर या अमारा करंज में बनवा वालो आपणो मोटो पार्क, टेक्सटाइल पार्क, 5F नी मारी फॉर्म्यूला, फार्म टू फाइबर टू फेब्रिक टू फेशन, आ दिशा में आपणे आगळ वधी रह्या छीए। एज रीते डायमंडो बिजनेस एनो विस्तार थई रह्यो छे। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट सूरत ग्लोबल डायमंड ट्रेड नु हब बनी गयु भाईओ, अने एनो सौथी मोटो लाभ अमारा सूरत ने मारा सौराष्ट्र ने मळी रह्यो छे। भाईओ बहनो, आ विकास नी साथे सुरक्षा एक मोटी महत्वनी बाबत होय छे। आंतरिक सुरक्षा नु पण एटलुं ज महत्व होय छे। गमे तेटला रूपया होय पर छोकरो सांजे घेर पाछो ना आवे शुं कामनुं? पहेला आज मैं सूरत के लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। ये मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। गुजरात और सूरत के लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय। यहां की जो नई पीढ़ी है उसने सूरत में हुए बम धमाके नहीं देखे हैं। यहां जो नई पीढ़ी है उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। मैं अपने युवाओं को, सूरत के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क करना चाहता हूं जो आतंकवादियों के हितैषी हैं। आपको याद होगा दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में देश के खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे। उसमें दिल्ली के हमारे एक जांबाज पुलिस अफसर शहीद हुए थे। सारी दुनिया देख रही थी, आतंकवाद की घटना थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वोट बैंक के भूखे कुछ और दल आज भी बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहने का पाप कर रहे हैं। सत्ता के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले ये दल, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये दल, आतंकी हमलों के समय चुप्पी साध लेते हैं। वोट बैंक के भूखे दल, तुष्टीकरण करने वाले दल कभी सूरत को, गुजरात को आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख सकते। सूरत तो व्यापार कारोबार का इतना बड़ा सेंटर है, जहां आतंक होगा, अशांति होगी, तो इसका बहुत बड़ा शिकार व्यापार कारोबार भी होगा। जहां आतंक होगा वहां उद्यमी, श्रमिक, मजदूर सब तबाह हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से मेरे नौजवान साथियों, दिल दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल से हमने गुजरात को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाला है, बचा करके रखा है। आज आपसे बात करते हुए मुझे 14 साल पहले हुए मुंबई हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। देश पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था।
लेकिन इस हमले के बाद कांग्रेस सरकार आतंक के आकाओं पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का लेबल चिपकाने की साजिश कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, वोट बैंक की ऐसी सियासत करने वालों को गुजरात से दूर ही रखना है। आज भाजपा सरकार, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में, आतंकवाद को सख्ती से कुचलने में जुटी हुई है। देश में विकास के लिए, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले सकती है। ये भाजपा की ही सरकार है जो एयर स्ट्राइक का फैसला ले सकती है। हम आतंकियों को भी नहीं छोड़ते और आतंक के आकाओं को भी घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसी के राह पर चलने वाले और भी दल, एक फैशन हो गई है वोट बैंक की राजनीति की। ये वोट बैंक के भूखे लोग अपीजमेंट की राजनीति करने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी वोट की लालच में कभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते भाइयों। अने एटला ज माटे सूरतना मारा जवानियाओने खास कहेवू छे, क्या बताती चेतता रहेजो साथियों। अने जे ताकतो 2002 थी गुजरात ने नीचू पाड़वा माटे षड्यंत्र करी रही छे, ए नवा नवा रूप में आवती रही छे, एमने ओळखवा जरूरी छे। आ एज लोको छे, गुजरात ने शांति जोईए, एकता जोईए, गुजरात प्रगति करवा मांगे छे, विकास की नवी ऊंचाईओ सर करवा मांगे छे। एना माटे वातावरण भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गेरंटी पूर्वक पूरु कर्यु छे। भाईओ, भारतना तेज विकास माटे, भारतना गरीबोने सशक्त करवा ए पण एटला ज जरूरी छे। आजे भारत गरीबोना सशक्तिकरण माटे अनेक मोटा पाया पर अभूतपूर्व कामो करी रह्यु छे। गया 8 वर्ष में 40 करोड़ गरीबों ना बैंक खाता खोलिया। साथियों, कोरोना नी आटली मोटी भयंकर महामारी, 100 वर्ष में न आयु एवं मोटू संकट, आ संकट में पण गरीबों ने अपने भूल्या नथी भाईओ। एना घर में चूलो सड़क तो रहे ने, एनी चिंता करी छे। कोरोना काल में मफत वैक्सीन, आटला टूंका गाळा में मफत वैक्सीन पहुंचाड्या, अने अमेरिकानी कुल जे संख्या छे, अमेरिकानी कुल आबादी, एना करता 4 गणा डोज आपणे भारत में आप्या छे भाईओ। आजे भारत लगभग 3 वर्षथी 80 करोड़ भारतना नागरिकोने मफत में अनाज आपी रही छे, मफत में अनाज आपी रही छे। भारत सरकार आ मफत में जे अनाज आपीए छे ने, एनी पाछळ 3 लाख करोड़ रूपयानो खर्च कर्यो छे भाईओ। 3 लाख करोड़ रूपया सूरत वाळाने तो खबर पड़े, 3 लाख करोड़ कोने कहेवाय, कांग्रेस वाळाने ना पड़े। अरे भाईओ, 3 लाख करोड़ रूपया એ કેટલાય દેશો એવા છે કે એનું કુલ બજેટ નથી હોતું। આટલું બજેટ અમે ફક્ત ગરીબના ઘરમાં ચૂલો સળગતો રહે ને એના માટે કર્યું છે। દુનિયામાં 125 દેશ
એની કુલ સંખ્યા કરતા વધારે લોકોને આપણે 3 વર્ષથી મફતમાં અનાજ ખવડાવ્યું છે. આ તાકાત ભારતે ઉભી કરી છે. ગુજરાતમાં પણ લગભગ 4.25 કરોડ લોકો એમને 3 વર્ષથી મફતમાં અનાજ પહોંચાડવાનું કામ ચાલે છે. આના ઉપર ગુજરાતમાં 12.5 હજાર કરોડ રૂપિયા એનો ખર્ચ ભારત સરકારે કર્યો છે. અહીંયા સુરતમાં રહેવા વાળા અમારા શ્રમિક સાથીઓ ઓડિશાથી આવ્યા હોય, બિહારથી આવ્યા હોય, આંધ્રથી આવ્યા હોય, તેલંગણાથી આવ્યા હોય, કેરળથી આવ્યા હોય, એમને તકલીફ ના માંડે એટલા માટે વન નેશન વન રાશન કાર્ડ એની યોજના લાગુ કરી છે અને એનો લાભ અમારા બહારથી આવેલા બધા સાથીઓને મળી રહ્યો છે. ભારતે ગયા 8 વર્ષમાં 3 કરોડથી અધિક ગરીબો માટે પાકા ઘર બનાવ્યા છે. ભાઈઓ, 3 કરોડ પાકા ઘર એટલે સિમેન્ટ વેચાયો હોય, એન્જિનિયરોને કામ મળ્યું હોય, કારખાના વાળાને કામ કર્યું હોય, લાકડા વેચવા વાળાને કામ મળ્યું હોય, ફર્નિચર વેચવા વાળાને કામ કર્યું હોય, આખી ઇકોનોમીને તાકાત આપી છે. અને આ મકાનો એટલે એક આખું નવું ઓસ્ટ્રેલિયા બનાવીએ ને એટલા ઘર આપણે બનાવ્યા છે. ડબલ એન્જિનની સરકારે જ્યાં ઝુંપડપટ્ટી એવા શહેર ગરીબોને પાકા ઘર બનાવવા માટેનું કામ ઉપાડ્યું છે એનો મોટો લાભ અમારા સુરતના લોકોને પણ થયો છે. આજે ભાજપની સરકાર એને પહેલીવાર, આઝાદી પછી પહેલીવાર આ સરકાર અમારી આવી જેને મધ્યમ વર્ગના લોકોનું ઘર બનાવવાનું સપનું પૂરું કર્યું છે. રેરાના કાયદાથી એને સુરક્ષા આપી છે અને બેંકમાંથી લોનો અને સસ્તી લોન આપીને એને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું છે. 12 હજાર કરોડ રૂપિયા આ મધ્યમ વર્ગના લોકોને પોતાનું ઘર બનાવવા ખર્ચાય છે. ભાઈઓ બહેનો, ભાજપની સરકાર ગરીબ મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં બચત સુનિશ્ચિત થાય એના માટે કામ કરી છે. 2014 પહેલા કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે મોબાઈલ ડેટા, તમારો એક ટેલિફોન પર જીન વાત કરો ને ઘરે તો કહી દો ભાઈ લાંબુ થઈ ગયું, તરત ફોન કટ કરી દેતા હતા. માને કઈક એવું હોય, માં સૌરાષ્ટ્રમાં બેઠી હોય ને કઈ વાત કરું તો કે ના મામી બહુ ટાઈમ થઈ ગયો હવે ફોન મૂકી દે, કાં તો રાત્રે મોડા કરી તો ઓછો ચાર્જ હશે. એ દિવસો હતા. આજે ફોન મફતમાં થઈ ગઈ વાત. મારો ઓડિશાનો ભાઈ હોય ફોન પર વાત કરે, 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નહીં. આજે મોબાઈલના જે ડેટાનો ભાવ ઓછો થયો છે, સરકારની તિજોરીમાંથી 1 રૂપિયો મેં આપ્યો નથી. નીતિઓ એવી બનાવી, વ્યવસ્થાઓ એવી ઊભી કરી જેના કારણે જે લોકો મોબાઈલ ફોન વાપરે છે ને એનું દર મહિને કોંગ્રેસના સમયે જે બિલ આવતું હતું એની તુલનામાં જો વપરાશ કરો તો આજે 4 હજાર રૂપિયા બિલ ઓછું આવે છે. પ્રત્યેક મોબાઈલ ફોન વાળા જેને ખાસો વપરાશ હોય ને 4 હજાર રૂપિયાનું બિલ ઓછું આવે મહિને. આ કામ આપણે કર્યું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં, યુપીમાં, બિહારમાં, ઓડિશા, હરિયાણા, રાજસ્થાન, પોતાના રિશ્તેદારો જોડે, સગાવાળાઓ જોડે ફોન પર વાત કરવાની, વિડીયો કોલ કરવાનો કોઈ ખર્ચો જ નહીં. આ કામ નીતિઓથી થયું છે. ભાઈઓ, ભાજપની સંવેદનશીલ સરકાર ફૂટપાથ પાથરણા વાળાને અમે ભૂલ્યા નથી, અમે લારી ગલ્લા વાળાને ભૂલ્યા નથી. અમે સ્વનિધિની એક યોજના બનાવી, પીએમ સ્વનિધિ યોજના દ્વારા પહેલીવાર પાથરણા વાળાને, લારી ગલ્લા વાળાને બેંકમાંથી લોન અપાઈ. કોઈ પણ પ્રકારની ગેરંટી વગર 10 હજારથી લઈને 50 હજાર સુધી લોન. પહેલા બિચારો વ્યાજખોરોનો ત્યાં મરી જતો હતો. 1000 રૂપિયા લેવા જાય ને સવારમાં, પેલો 100 રૂપિયા સવારમાં કાપી લે, 900 આપે અને સાંજે જઈને પાછા 1000 જમા કરાવવાના હોય એવી રીતે વ્યાજના ભરા. એમને આપણે બિલકુલ નજીવા વ્યાજે પૈસા આપ્યા અને કહ્યું તમે ડિજિટલી કામ કરશો ને તો તમારા વ્યાજમાં પણ લગભગ 0 કરી દઈશું. 40 હજાર એકલા સુરતમાં 40 હજાર પાથરણા વાળા ફૂટપાથ પર જે ધંધો કરતા હોય, લારી ગલ્લા વાળા, એમને આપણે આ લોન આપી છે. ભાઈઓ, એમના જીવનમાં હવે સ્થિરતા આવવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. શિક્ષા, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એ ભારત સરકારની પ્રાથમિકતા છે. ગયા 20 વર્ષમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલોની સંખ્યા 2 ગુણી કરવામાં આવી છે, ડબલ કરવામાં આવ્યું છે. 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં 800 કરતા પણ ઓછી કોલેજો હતી, આજે 3 હજાર કોલેજ છે.
20 वर्ष पहला 21 यूनिवर्सिटी थी, आज 100 करता वधारे यूनिवर्सिटी छे। प्रोफेशनल कॉलेज 100 होती, आज 500 करता वधारे छे। मेडिकल सीटों 1300 होती, आज 6000 करता वधारे छे। नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कारण अमे एक महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो छे। पहला गरीब नो छोकरो डॉक्टर न बनी सके, इंजीनियर न बनी सके, कारण एने अंग्रेजी निशाण में भण्यो नहोतो। अंग्रेजी निशाणो शहरों में हती, गामडानी गरीब मानो छोकरो डॉक्टर बनवो तो न बनी सके। अमे नक्की कर्यो, तमे मने कहो भाई कोई डॉक्टर होय, गम्मे तेटलो मोटो डॉक्टर होय, एना ते पेशंट जाए तो पेशंट ने अंग्रेजी आवडवू जरूरी छे? ए तो एम ज केम साहेब मने पेट में दुखे छे, साहेब मने माथा में दुखे छे, साहेब मारा पग में आ तकलीफ छे, गुजराती में ज बोले ने? तो पछी डॉक्टर गुजराती में भणे तो हुं वांधो ज भाई। अने एटला माटे आपणे नक्की कर्युं के हवे डॉक्टरी अने एंजीनियरिंग पण मातृभाषा में भणावामां आवशे, जेथी करीने गरीब नो छोकरो पण डॉक्टर बनी सके। भाईओ बहनो, अनेक एवा विषयो छे, विकास नी नवी ऊंचाईओ पर केम जवाय, एना माटे विजन, एना माटे संकल्प, एना माटे थईने पुरुषार्थ नी पराकाष्ठा अने ईमानदारी थी समाज नुं भलू करवाना काम माटे निकळीए छे। आजे जारे भाईओ सूरत आव्यो छु त्यारे मारे तमने कई ज न कहेवानुं होय, आजे जे दृश्य जोयुं छे ने अभिभूत करनारुं दृश्य छे, अने तेम छतां हुं कहीश के सूरत पोताना जूना रेकॉर्ड तोड़े, वधुमां वधु मतदान थाय, सूरत जेटलुं सशक्त हशे ने एटलुं आर्थिक रीते गुजरात सशक्त थाय, सूरत जेटलुं सशक्त होय ए गुजरात ने मजबूत बनावे, गुजरात भारत ने मजबूत बनावे, आ ताकत आपणा में पड़ी छे। अने आशा लईने आपणे जे रहे त्यारे भाईओ बहनो, मारी आ चूंटणी में तमने अपेक्षा छे, आटली ज अपेक्षा छे के एक विकसित गुजरात जोवुं छे आपणे। विकसित गुजरात 25 वर्षनो एक खाको खींची नाखवा बधुं छे। सीआर पाटिल अने भूपेन्द्रभाईनी सरकारे जे रीते संकल्प पत्र आप्यो छे ए विकसित गुजरातनो रोडमेप छे भाईओ। ए विकसित गुजरातना रोडमेपने पूरा करवा माटे वधुमां वधु मतदान थाय, जूना बधा रेकॉर्ड तोड़े, दरेक पोलिंग बूथ नक्की करो कि जूना बधा रेकॉर्ड तोड़वा छे, अने बधाज कमळ खीले। मने पूरो विश्वास छे आ वखते आखू दक्षिण गुजरात, आखू दक्षिण गुजरात एक एक कमळ हारशे एवं मने नथी देखातुं भाईओ। भारे मतदान करिए, हवे मारुं एक अंगत काम करशो, बधा मारुं एक अंगत काम करशो, हाथ ऊपर करीने कहो तो कहू, पण पूरी ताकत थी कहो। तमारा मोबाइल नी फ्लैश लाइट जलाओ एटले मने खबर पड़शे के तमे तैयार छो। बाददा मोबाइल नी फ्लैश जलाओ, काम करशो एक मारू अंगत, अंगत काम छे, अंगत भाजपनू नहीं मारू, करशो करशो करशो। तमे बधाने कहजो कि आपणा नरेन्द्र भाई सूरत आया था, वराछा आया था, आटलू करशो? तमे आगामी पहली तारीखे मतदान छे, हजू ज्यां ज्यां मळवा जवाओ, लोकोने मळो त्यारे कहजो कि आपणा नरेन्द्र भाई सूरत आया था, वराछा आया था, अने एमणे तमने प्रणाम पाठव्या छे। दरेक घरे आटलो मारो संदेशो आपशो, बाद माने मारो आटलो संदेशो आपो के नरेन्द्र भाई वराछा आव्या था अने तमने बधाने प्रणाम पाठव्या छे, एमना आशीर्वाद ए मारी मोटामां मोटी ताकत छे भाईओ। आ वडीलोना आशीर्वाद, आ वडीलोना आशीर्वाद मने नवी ऊर्जा आपे छे, संकल्पनी नवी शक्ति आपे छे, अने आ भारत माता माटे काम करवा माटेनी प्रेरणा आपे छे। एटला माटे मने वडीलोना आशीर्वाद जोईए, मारा वती घेर घेर प्रणाम पाठवजो, अने एमना आशीर्वाद ए मारी शक्ति बने एटली मदद करजो। मारी साथे बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।